अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, टॉप काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। हेलो एवरीवन, दिस इज मधु पांडे फ्रॉम MKC प्रयागराज एंड आज हम यहाँ पर नेवी का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने आए हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों वो 25 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। इफ लॉग बेस 10 98 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ x। हमें बतानी है इनमें से x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगरिथम में ये फॉर्मूला पता है, इसको आप ये लिख सकते हैं, सी लॉग 10 98 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 98 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 10 रेज टू पावर 2, ये इधर पावर में चला जाएगा। तो आप इसको बच्चों यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, 98 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 100, राइट। नाउ सी 100 माइनस 98 करोगे तो 2 आ जाएगा एंड स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू यहाँ पर आपका कितना बन जाएगा 4, एंड 4 को यहाँ आप माइनस में लेके आओ, सो 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 8 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की आपके पास दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, एक 8 आ गई और एक 4 आ गई, सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। तो मतलब x की इन दो वैल्यूज के लिए दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। बात समझ आई। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो देख सकते हैं, ये है इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पर्सन 37% लाइक कॉफी, 52% लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन आउट ऑफ टू बीवरेज, हाउ मेनी पर्सन लाइक टी एंड कॉफी बोथ। तो बोला है हमारे पास टोटल कितने लोग हैं, 70 लोग हैं। टोटल मेरे पास लोग हैं 70 जो कि टी एंड कॉफी पसंद करते हैं। ठीक है, तो टोटल 70 लोग हैं जिसमें से टी पसंद करने वाले लोग कितने हैं 37 एंड कॉफी पसंद करने वाले लोग कितने हैं 50। पर्सन हु लाइक्स कॉफ़ी वो आपको 52 दिया है, पर्सन हु लाइक कॉफ़ी 52 और ये जो कॉफ़ी पसंद करते हैं कितने दिए हुए हैं हमें 37 दिए हैं। चलो हमें क्या निकालना है यहाँ से, जो लोग टी एंड कॉफ़ी पसंद करते हो मतलब मुझे इसका इंटरसेक्शन पता करना है। तो इंटरसेक्शन के लिए भी कॉल है फॉर्मूला टी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू एन ए, आप इसको ए ना लिखे तो आप इसको टी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी यूनियन सी, ये फॉर्मूला बनेगा। एन टी की वैल्यू आपके पास है 52, एन सी की वैल्यू आपके पास 37 है एंड एन टी यूनियन सी की वैल्यू इज 70। सो नाउ यू कैन सी कि आपके पास 89 माइनस 70 आंसर हुआ, दैट मीन्स आपके पास 19 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें ही पीते हैं यहाँ पर। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी, इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह ट्राई करेंगे, इफ मॉड्यूलस z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 इक्वल टू में पाई बाय 6 दिया है, देन लोकस ऑफ z इज। सो बच्चों रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपका z माइनस z बार अपॉन z माइनस z बार नहीं z1 लिखूंगी मैं, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 का मॉड्यूलस इक्वल टू k है, जहाँ पर k नॉट इक्वल टू 1 है, तो हमेशा इक्वेशन किसकी होती है, सर्कल की। और अगर k इक्वल टू 1 है देन z1 z2 पे डिपेंड करेगा, अगर z1 z2 रियल है तो लोकस कहाँ होगा, लोकस होगा आपका y एक्सिस पे, और अगर z1 z2 इमेजिनरी है तो लोकस कहाँ होगा आपका, x एक्सिस पे। तो हमें यहाँ चीज़ ये ध्यान रखनी है। तो हमें यहाँ क्या दिया है, k इक्वल टू कितना दिया है, कंपेयर करें तो 5/6 दिया है,
पाई बाई सिक्स इज नॉट इक्वल टू वन. सो हमारी क्वेश्चन किसकी हो गई है, सर्कल की, मतलब वृत्त बन चुका है ये. तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा. चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आयोटा प्लस रूट थ्री अपॉन टू का ये जो ब्रैकेट अप पावर 100 प्लस आयोटा माइनस रूट थ्री अपॉन टू पावर 100. तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये चीज़ आपके किसके बराबर है, अगर मैं आयोटा यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, वन प्लस रूट थ्री अपॉन आयोटा एंड रूट थ्री अपॉन आयोटा इज वॉट, रूट थ्री अपॉन आयोटा इज माइनस रूट थ्री आयोटा, ठीक है ना. रूट थ्री अपॉन आयोटा इज माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन में आपका कितना टू, इस पूरे की पावर कितनी हो गई 100 प्लस में. सिमिलरली अगर मैं यहाँ से भी आयोटा कॉमन ले लूँ तो कितना बनेगा, वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू एंड इसकी पावर कितना 100. चलो जी अब मुझे यहाँ से क्या करना है, माइनस अगर हम देखें तो ये हमारा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जैसा कुछ फॉर्मूला बन रहा है, बस माइनस प्लस का फर्क है. तो अगर मैं माइनस भी साथ में ले लेती तो माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू बन जाता एंड दिस वुड बिकम 100 प्लस ये आपका कितना बन जाता, माइनस आयोटा लेते तो माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू एंड दिस वुड बी ऑल्सो पावर 100. चलो जी ये चीज़ आपकी किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है तो इसकी पावर 100 प्लस ये चीज़ आपकी किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है तो इसकी पावर भी 100. नाउ आयोटा की पावर 100 इज वॉट, वन हो जाएगा एंड माइनस वन तो ये आपका वन हो जाएगा इन टू ओमेगा 100 प्लस यहाँ से ओमेगा की पावर 200. तो ओमेगा 100 प्लस 200 मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सो द आंसर वुड बी माइनस वन क्योंकि हमें पता है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जीरो होती है. सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका यहाँ से कितना हो जाता है, माइनस वन हो जाता है. बात समझ आई. सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो आपको वैल्यू बतानी है अल्फा फोर बीटा थ्री प्लस अल्फा थ्री बीटा फोर की. तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि अल्फा फोर बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा फोर, इसको क्या मैं ये भी लिख सकती हूँ कि अगर मैं अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को बाहर ले लूँ तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा एंड अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और ये अल्फा प्लस बीटा है. चलो जी यहाँ इस इक्वेशन से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं. अल्फा प्लस बीटा इज वॉट, माइनस बी अपॉन है मतलब 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज वॉट, सी अपॉन है दैट इज 2. तो ये 2 का क्यूब इंटू में 6 तो 8 इंटू 6 आपका कितना हो गया 48. सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. बात समझ आई. तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें इस तरह से अप्रोच करना है. चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, हमें इस सीरीज में n टर्म्स का सम बताना है. n टर्म्स का सम बताने के लिए बच्चों जब भी आपके पास n टर्म्स का कोई भी क्वेश्चन आए जस्ट रज्यूम या तो n को 1 या मैक्सिमम 2 मान लो. अगर 1 से आंसर नहीं आ रहा, 1 से आंसर तब नहीं आता जब यहाँ पर 1 डालने पे आपके बहुत सारे ऑप्शन मैच कर जाएं. अदरवाइज आप 2 लो तो आपका आंसर हमेशा आपको मिल जाएगा. कैसे, मान लिया मैंने n इक्वल टू ले लिया आपका यहाँ से n इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ से 2, ठीक है ना. तो n इक्वल टू अगर 2 ले लिया तो मतलब कि दो टर्म्स का ही सम चाहिए, मतलब पहली टर्म एंड दूसरी टर्म, इसका सम देखो कितना हो जाएगा 1 + 1 + 2 मतलब कितना 4. तो आई नीड कि अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूँ तो इनमें से किसका आंसर 4 आ रहा है. तो देखो जी यहाँ 2 रख दो, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो इसका आंसर तो नहीं आया, तो आंसर गलत है. यहाँ 2 रखो, यहाँ 3 रखो, यहाँ 2 रखो, तो ये कितना आ गया 3, तो ये भी गलत है. यहाँ रखो 2, 3 एंड यहाँ 4 अपॉन में 12, तो 6 × 2 = 12, ये 2, ये भी नहीं आया तो ये भी गलत है. अगला 2 इंटू में आपका 3 इंटू में 4 अपॉन में 6, सो यहाँ से आपको 4 मिल रहा है. सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट. सो दिस इज हाउ अगर n टर्म्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करो, n की वैल्यू पुट कर लो या तो 1 या 2. 1 से कई बार ऑप्शन जो हैं वो सेम आ जाते हैं, इसलिए आप 2 लेके चलो हमेशा. तो n की वैल्यू अगर 2 ले लो तो स्टार्टिंग की दो टर्म्स लो एंड उसको देख लो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ आंसर मैच कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा. सो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी वेज 10 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिटेड इन अ रो इफ 2 गर्ल्स ऑलवेज नॉट कम्स टूगेदर, बोले हमारे पास 10 लड़के हैं, 6 लड़कियाँ हैं,
इन्हें हमें एक ही रो में बिठाना, और इस तरह बिठाना है कि एक भी लड़की जो है वो एक साथ ना बैठे, ठीक है ना। तो क्या करो, पहले तो ये 10 लड़के बिठा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 लड़के हो गए। अब लड़कियां एक साथ ना बैठे इसका मतलब क्या है, लड़कों के बीच में लड़कियां बैठ जाएं, मतलब कि हम लड़कियों को यहाँ बिठा दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब टोटल कितने प्लेस है हमारे पास लड़कियों को बिठाने के लिए, 11। तो लड़कों को बिठाने के लिए हमारे पास 10 फैक्टोरियल हो गया, लड़के 10 थे तो 10 फैक्टोरियल हो गया। लड़कियों को बिठाने के लिए हमें 11 में से 6 लड़कियां बिठानी है, 11 प्लेस में से 6 लड़कियां बिठानी है, बट ऑल्सो हमें 6 फैक्टोरियल हम किसी भी तरीके से बिठा सकते हैं। तो आप इसे लिखेंगे 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू में आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, 11 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। सो दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ से कौन सा आंसर मैच हो रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आई बच्चों? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। अगला है आपके पास, इफ पी ए इक्वल टू 2/3 एंड पी बी इक्वल टू 5/9 एंड पी ए यूनियन बी आपको 4/5 दिया है, आपको पी ए इंटरसेक्शन बी बताना है ना। ये फॉर्मूला आप सेट में भी पढ़ते हैं एंड यहाँ भी पढ़ते हैं, और ये दोनों ही जगह इंपॉर्टेंट है। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको यहाँ से पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए यूनियन बी लिखना है। ओके, सो डू इट। यहाँ पे पी ए की वैल्यू कितनी है, 2/3 दी हुई है, दिस इज 5/9 एंड दिस इज वॉट 4/5। नाउ सॉल्व इट, आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 45। तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ से 30 प्लस में 25 माइनस में 36, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 25 प्लस में 30 आपका हो गया, ये 55 हो गया। 55 माइनस अगर आप 36 कर दें यहाँ पर, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 19/45। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सो इस तरह का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, आपके सेट्स में भी हेल्प करेगा एंड ये आपका प्रोबेबिलिटी हेल्प करेगा ही करेगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इस एक्सपेंशन में लास्ट से फोर्थ टर्म कौन सी होगी। तो जब भी हमें लास्ट से निकालनी है, तो लास्ट से निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, हम निकाल लेते हैं स्टार्टिंग से n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब कि शुरू से, शुरुआत से अगर मैं ये वाली टर्म निकाल लूं, तो मुझे rth टर्म फ्रॉम द एंड मिल जाएगी, ठीक है ना। मतलब अगर मुझे यहाँ पूछी गई है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो आप क्या निकाल लो, n माइनस आर प्लस 2th टर्म बिगिनिंग से निकाल लो। n क्या होता है, n ये होता है जो हमें दिया है यहाँ पर, तो 9 माइनस आर कितना दिया बेटा, 4 प्लस 2, तो कितना हो गया, मतलब मुझे यहाँ से 7th टर्म निकालनी है। 7th टर्म मतलब आर प्लस 1 7 है आपका, तो टी आर प्लस 1 निकालो, कितना होता है एन सी आर, और यहाँ पर ए रेस टू पार एन माइनस आर एंड बी रेस टू पार आर। सो पुट द वैल्यूज, क्या मिल जाएगा यहाँ से, एन 9 सी 6, यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास x दी हुई, तो x की पावर 9 माइनस 6 दैट इज 3 एंड b की वैल्यू 2/x है, इसकी पावर कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है ना बच्चों, 2 की पावर 6 हो गई ना। सॉल्व दिस, तो 9 से 6 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू में यहाँ पर आपका एक्स क्यूब अपॉन एक्स 6 इंटू 2 रेस टू पावर 6 आ गया। तो यहाँ से आप क्यूब हटा सकते हैं, ये 3 बचेगा, इससे ये हट जाएगा। तो इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करोगे तो बेटा वैल्यू आपकी क्या आ जानी है यहाँ से, 5376 डिवाइड बाय एक्स क्यूब। सो दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द आंसर, सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। सो दिस इज हाउ आप यहाँ से लास्ट टर्म आप पता कर सकते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए इक्वल टू ए बी बी ए देन ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज निकाल लो पहले कितना होगा, ए ट्रांसपोज में रो को कॉलम में बदल देते हैं, तो आप इसको ऐसा लिख देंगे बी ए, ठीक है ना। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज है तो सेम ही यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज कर लेते हैं, कितना आएगा ए बी बी ए, और ये है आपका ए बी बी ए। चलो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और यहाँ हो जाएगा आपका ए बी प्लस ए बी मतलब 2AB, यहाँ भी आपका ए बी प्लस ए बी मतलब 2AB, और यहाँ से आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आई बच्चों? तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर हमें कोई पूछे कि यहाँ पर ए आपकी कैसी मैट्रिक्स है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ए आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ए ट्रांसपोज बराबर आया है। ठीक है ना? चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज, इसकी मुझे वैल्यू बतानी है। तो एक वैल्यू अभी हमने पढ़ी थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका क्या होता है, 0 ना। देखो अगर मैं ये तीनों चीज़ों को ऐड कर दूँ, तीनों कॉलम को ऐड कर दूँ और C1 में लिख लूँ, C1 में मैंने C1 प्लस C2 प्लस C3 डाल दिया, तो आप क्या लिखोगे बेटा इसको? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ लिखोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। ठीक है जी, ये वैल्यू तो आपकी 0 0 0 हो गई, ये तो 0 0 0 हो गई, और अगर ये 0 0 0 हो गई, दैट मीन्स कि अगर कोई एक कॉलम या कोई एक रो आपकी पूरी तरह से 0 हो जाए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। बात समझ आई बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। ओके, इफ एफ सच दैट आर गोज टू आर एंड एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, देन एफ एक्स इज, आपको पूछा है ये 1-1 है, ऑन टू है, 1-1 इन टू है, मैनी 1 ऑन टू है, या मैनी 1 इन टू है। 1-1 का मतलब है बच्चे यहाँ पर आपका, 1-1 मतलब है आपका एक एक ही, ठीक है। मैनी 1 मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है बहु एक एक ही, ठीक। और ऑन टू का मतलब होता है आपका आच्छादक, और इन टू का मतलब होता है आपका अंतःक्षेपी, ठीक है ना। ये आपको पूछा हुआ है कि क्या होगा चारों में से, इसने इस तरह से ऑप्शन दिया, आप समझ गए होंगे आपको क्या निकालना है। चलो 1-1 आप कैसे प्रूफ करते हैं बेटा? इसका आप ग्राफ बना के भी कर सकते हो और सिंपली भी कर सकते हो, पर एक्स स्क्वायर का मैं ग्राफ बना लेती हूँ। ये मेरा ग्राफ है। ग्राफ पे क्या होता है 1-1 का मतलब कि अगर आप ग्राफ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन डालो और वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे तो वो 1-1 है, और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो वो मैनी 1 है। तो हम डालते हैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कितनी जगह कट कर रही है भाई? 2 जगह। तो इसका मतलब ये तो मैनी 1 है, ये तो मैनी 1 है, ठीक है। अब ऑन टू के लिए क्या होता है? ऑन टू के लिए आपका रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए, और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन ये दी होती है, ये आपका डोमेन होता है और ये क्या होता है? आपका कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन आपको रियल नंबर दी हुई है, पर रेंज आपकी यहाँ कितनी है? रेंज तो केवल पॉजिटिव रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर तो कभी आंसर में आएगा ही नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ पॉजिटिव लाइन ही आएगी ना आपके आंसर में, नेगेटिव लाइन तो कभी आंसर में आएगी नहीं। तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट मीन्स फंक्शन आपका कैसा हो गया? इनटू। तो मैनी 1 इनटू फंक्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 6 अंडर रूट 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाय 6, हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी? तो नाउ सी वेरी केयरफुली, हमें पता है हमारा एक मेथड है जिसे हम LH रूल कहते हैं, दैट इज़ अ किंग ऑफ लिमिट। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं इसको आराम से। LH रूल क्या कहते हैं कि ऊपर भी आप डेरिवेटिव कर दें एंड नीचे भी आप डेरिवेटिव कर लो। तो रूट 3 कॉन्स्टेंट तो बाहर हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ? कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का कितना हुआ? माइनस साइन एक्स, एंड दैट इट विल बिकम प्लस साइन एक्स। डिवाइड में आपके पास कितना आ गया? एक्स का 1 माइनस पाई बाय 6 का 0, एंड लिमिट विल नॉट चेंज, लिमिट तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो आप इसके अंदर वैल्यू रखो, रूट 3 कॉस पाई बाय 6, कॉस पाई बाय 6 मतलब कॉस 30, एंड कॉस 30 की वैल्यू इज व्हाट? रूट 3 बाय 2। तो आप लिख दो इसको रूट 3 बाय 2 प्लस, यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू इज 1 बाय 2, तो आपके पास आ गया 4 बाय 2, दैट इज 2। सो 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ y इक्वल टू 10 inverse 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 minus 3x square, देन dy/dx इज इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी आपके इस तरह के इनवर्स के क्वेश्चन होते हैं, आपको यहाँ करना क्या है? आपको इसको x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाए। और x की वैल्यू आप किस तरह पुट करते हैं? आपको अपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रखने हैं कि ये फॉर्मूला आपका tan 3 थीटा से रिजेंबल कर रहा है। तो मैंने क्या माना, x की वैल्यू हमने मान ली यहाँ पर x इक्वल टू मान लिया हमने tan थीटा, ओके। सो थीटा वुड बी इक्वल टू 10 inverse x।
नाउ पुट दिस वैल्यू, तो आपके पास क्या हो जाएगा वाई टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस में टेन क्यूब थीटा अपॉन में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा. नाउ दिस कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल टू वॉट टेन थ्री थीटा. तो आप यहाँ लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा. सो टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू वॉट थीटा. तो यहाँ पे आपका थ्री थीटा आ जाएगा. पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है टेन इनवर्स एक्स, तो वो हमने रख दी. अब इसका डेरिवेटिव कर लो डी वाई बाई डी एक्स. थ्री तो कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट ही रह जाएगा. एंड टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 53 इज. जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो आपको यहाँ दो चीज़ें देखनी है. पहला कि आपका ये जो a का वैल्यू है, अगर a आपका ग्रेटर देन जीरो है या फिर a आपका लेस देन जीरो हो सकता है. फॉर ग्रेटर देन जीरो द ग्राफ विल बी लाइक दिस. और ये पॉइंट आपका क्या होता है, दिस पॉइंट इज माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए. तो ये हो गई आपकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू वुड बी इन्फिनिटी. ये हो गया आपका a ग्रेटर देन जीरो के लिए. सिमिलरली अगर हम a लेस देन जीरो की बात करें तो ग्राफ विल बी लाइक दिस. और ये हो जाती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो कि सेम ही रहती है, पॉइंट तो सेम ही रहते हैं पर मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है माइनस इन्फिनिटी. सो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है. अभी हम यहाँ देखें तो a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारी कहाँ से पता चलेगी, y की वैल्यू. सो माइनस डी बाई फोर ए डी. तो मैं अगर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूँ मिनिमम वैल्यू का तो वो होता है आपका 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a जो कि यहीं से आया है. ठीक है ना, आप इसमें वैल्यू रखो आपको सेम मिलेगा. तो हमें जनरली बस ये चीज़ याद रखनी है कि ये हमारा मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है. हमें यहाँ पर वैल्यू रख देनी है. आपके पास 4 है, a की जगह 1 है, c की जगह 53 है, माइनस इसकी जगह आपका 14 का स्क्वायर अपॉन 4. तो भाई ये आपका आ गया कितना 4 3 12 212 माइनस में ये कितना हो गया 196 डिवाइड बाय 4. तो आप कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू व्हाट आपका 12 और 4 दे 12 से 20 किस. ठीक है तो ये आपका 12 पर 4 16 बटे 4. तो आंसर कितना हो गया आपके पास 4. सो 4 विल बी द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बच्चों. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला है आपके पास ई रेस टू, आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. ई रेस टू पावर टेन इनवर्स एक्स है ये, दिस इज टेन इनवर्स एक्स. ओके ये टेन इनवर्स एक्स है. टेन इनवर्स एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा. चलो भाई जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास क्या है, ये मैंने लिख दिया टेन इनवर्स एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. राइट है, यहाँ पर इसको करते हैं क्या करोगे, लेट कर लोगे टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी. तो हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी. ओके पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर, तो आपको क्या मिलेगा e की पावर t डी टी. और e की पावर t का तो डिफरेंसी इंटीग्रेशन वी ऑल नो क्या होता है, e की पावर t प्लस c. एंड t आपने क्या माना था बच्चे वो लिखे दो यहाँ पर, तो e टेन इनवर्स x प्लस c. सो दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर c आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन बनाने हैं. चलो तो इसके सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, देखो भाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स इन टू ई रेस टू पावर वाई, ऐसा लिख सकते हैं. एक्स वाली टर्म एक साथ लिख लो, वाई वाली टर्म एक साथ लिख लो. ठीक, एक्स वाली टर्म एक साथ आ गई, वाई वाली टर्म एक साथ आ गई. नाउ इंटीग्रेट तो ये हो गया e की पावर माइनस वाई डी वाई और ये हो गया आपका e की पावर x dx. तो आप इसका करो e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन इज माइनस ई वाई और इसका हो गया e की पावर x प्लस सी. नाउ आप इसको आपस में सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाएगा, दिस इज ई एक्स प्लस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू सी. ऑल दो आप यहाँ से करोगे तो माइनस सी बनेगा पर माइनस सी इज जस्ट द कॉन्स्टेंट तो हम इसको सी ही लिख लेते हैं. तो क्या आ जाएगा ई एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस वाई इक्वल टू सी. तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. कॉस 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री कॉस 80 डिग्री इक्वल टू जीरो. आप इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है वो क्या है,
कि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, अरे ओके 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से ही डिवाइड करते हैं, फिर हम यहाँ 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम cos a t का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोबारा से फॉर्मूला लगाते हैं, देन हम सॉल्व करते हैं। रादर देन दिस, ये भी आप कर सकते हो, पर रादर देन दिस इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, एक जनरल फॉर्मूला है, दैट इज cos थीटा। अगर कहीं भी आपको इस तरह की फॉर्म दिख जाए cos थीटा cos 60 माइनस थीटा एंड cos 60 प्लस थीटा, सो देन दिस वुड बी इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा, इसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप लिख लें, ये हमारा साइन के लिए भी सेम है कि यहाँ अगर साइन होगा तो यहाँ साइन आ जाता है, ठीक है ना। चलो थीटा की वैल्यू हमारे पास हमने मान ली कितनी है, 20, ये आ गया आपका थीटा, तो 60 माइनस 20 इज 40 एंड 60 प्लस 20 इज 80, तो मतलब ये फॉर्मूला इसमें फिट है, तो आप रखो 1/4 cos 3 इंटू 20 डिग्री मतलब 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू इज 1/2, सो आंसर विल बी 1/8, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इज इफ़ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जिसके अंदर 2 या 3 टर्म एक साथ दी हो और वो उसकी वैल्यू किसी के इक्वल दी हो, तो आप क्या करो, इसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो चीज़ों को। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब है कि आपके पास 3 वैल्यूज है ना, तो इन तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये नंबर लो और इसको कर दो 3 से डिवाइड, ठीक है। अगर 2 वैल्यू होती है तो 2 से डिवाइड करो, 4 हैं तो 4 से करो, तो ये कितना आ गया पाई बाय 6, मतलब इसकी वैल्यू भी पाई बाय 6 है, इसकी वैल्यू भी पाई बाय 6 है, एंड देन इसकी वैल्यू भी पाई बाय 6 हो गई, तो आप कह सकते हो कि यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया 10 पाई बाय 6, तो x की वैल्यू 10 पाई बाय 6 मतलब 10 30 डिग्री, एंड 10 30 डिग्री इज 1/√3। सिमिलरली y भी आपका 1/√3 हो जाएगा एंड z भी आपका 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स y भी आपका पाई बाय 6 है एंड tan इनवर्स z भी आपका पाई बाय 6 है। अगला काम आपको क्या करना है, ये जो आपकी वैल्यूज आई हैं x, y, z की, पुट दीज वैल्यू ओवर हियर एंड देखो कि इसमें से कौन सा आंसर आपका ठीक है। तो करो, x की वैल्यू आपके पास आई है 1/√3, इसकी भी 1/√3, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 सॉल्व करो, कितना आ गया 3/3, तो आंसर 1 आ गया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी ए इक्वल टू 3 है, बी इक्वल टू 4 है, साइन ए की वैल्यू 3/4 है, देन एंगल बी इक्वल टू वॉट, तो यहाँ पर हमें अपना साइन रूल लगाना है। साइन रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल ए बी एंड सी है तो ए के सामने वाला ए होता है, बी के सामने बी होता है और सी के सामने सी हो जाता है, ठीक है। साइन ने आपको 3/4 दिया हुआ है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी होता है, ठीक है, साइन बी अपॉन बी होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ से साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए साइन ए, तो बी अपॉन ए की वैल्यू यू ऑलरेडी हैव बी की वैल्यू इज 4 एंड ए की वैल्यू इज 3, साइन ए की वैल्यू भी आपके पास है कितनी है 3/4, सो ये कैंसिल हो गया, तो साइन बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 1, एंड साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब हमारा थीटा 90 डिग्री होता है, दैट मीन्स एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस, मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल दिया है जिसके मेरे पास वर्टिसेस है, ए है, बी है और सी है। ए आपके पास कितना है दिया, -4 एंड 2, बी आपको दिया है 0, -1 एंड सी आपको कितना दिया है 3, 3। तो अब आपको करना क्या है, पेरीमीटर बताना है। सो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, अगर हम इन तीनों की वैल्यू निकाल के ऐड कर दें तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। अब वैल्यू निकालने का क्या मतलब है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, तो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको 25 एंड 5 लिख सकती हूँ, सो दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू 5। ओके ए सी निकालो, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से, ए सी वुड बी इक्वल टू -4 -3, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 2 -3 1, तो ये कितना हो गया √50, तो आप इसको 5√2 लिख सकते हैं। नाउ कम टू बी सी पार्ट, तो बी सी आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 0 माइनस 3 मतलब 9
प्लस माइनस वन माइनस थ्री मतलब फोर, फोर का स्क्वायर इज 16, तो आ गया अंडर रूट 25, तो आंसर आ गया 5. नाउ इन तीनों को ऐड कर दो, 5 + 5 इज 10 प्लस 5√2, सो आंसर क्या आ गया हमारे 10 + 5√2, सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बच्चों. अगला क्वेश्चन देखते हैं, जितने भी पैरामीटर के क्वेश्चन आते हैं दैट मीन्स आपको वहाँ डिस्टेंस निकालनी है. आपको बोला है कि अगर आपके पास ए की वैल्यू ये है, ए आपका कोई वेक्टर है जो आपको ये दिया हुआ है, बी वेक्टर 2i cap + j cap है, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हमें निकालना होता है cos थीटा. cos थीटा मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करो 2 में, 3 × 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो 1 में, तो 2 × 1 डिवाइड में. ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. तो आपके पास कितना आ गया यहाँ से, 6 + 2 = 8 एंड दिस इज इक्वल टू 9 + 4 = 13 एंड दिस इज 5. तो आपके पास आ गया 8√5, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, cos थीटा. आंसर आपको किस में दिया हुआ है, 10 की टर्म में दिया हुआ है, तो आपको ये आंसर अब किस में कन्वर्ट करना है, 10 में. तो 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखो, अगर ये मेरे पास थीटा है और ये cos थीटा की वैल्यू दैट इज 8/√65, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया 8 और ये हो गया 65. तो आप यहाँ से ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, कैसे, √65 का स्क्वायर इज 65 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो ये 1 और 1 का अंडर रूट कर दो कितना आ गया, 1 आ गया. सो दिस वैल्यू वुड बी इक्वल टू 1. तो यहाँ से आप tan थीटा क्या लिखोगे, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो आप लिखोगे tan थीटा की वैल्यू हो गई है यहाँ से 1/8, तो थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 1/8. सो दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर. तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बच्चों. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज, व्हाट विल बी द मीन ऑफ 30 गिवन नंबर्स व्हेनेवर द मीन ऑफ 10 नंबर इज 12 एंड 20 नंबर इज 9. हमारे पास टोटल 30 नंबर हैं जिसमें से 10 नंबर का अलग मीन दिया है, 20 नंबर का अलग दिया है, 20 नंबर का बताना है. तो क्या करूँ, जो आपको 10 नंबर का मीन दिया है 10 × 9, 10 नंबर का कितना दिया है आपको यहाँ पर, 10 नंबर का 12 दिया है, प्लस में 20 नंबर का कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है. तो ये टोटल हमारे पास कितने नंबर्स का आ गया, 30 नंबर का. तो ये आपका 120 प्लस में 180 डिवाइड बाय 30, सो दिस वुड बी 300/30. तो आपका आंसर कितना हो गया, 10. सो 10 वुड बी योर करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बच्चों. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रेट लाइन y = mx + c विच टचेज द इलिप्स x² + a² + y² / b² = 1 विद द कंडीशन सेटिस्फाइड. जब भी आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन हो और कॉनिक सेक्शन दिया हो, तो जो स्ट्रेट लाइन है वो उस पर टेंजेंट होती है, एंड टेंजेंट की कंडीशन आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि कंडीशन ऑफ टेंजेंट क्या है इन केस ऑफ इलिप्स, इन केस ऑफ पैराबोला एंड इन केस ऑफ हाइपरबोला टू, राइट. तो अगर इलिप्स दिया है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, c = ± √a² + m² + b² और यही अगर हाइपरबोला होता तो यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है ना. तो दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर. नाउ सी की आप ऑप्शन आपका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बच्चों. तो ये कंडीशन आपको हर किसी कॉनिक सेक्शन के लिए याद रखनी है. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. नेक्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन द पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन दिस. हमें ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है जो इस पॉइंट से जाती हो और इसके पैरेलल हो. पैरेलल हो मतलब कि इसका और उसका दोनों का स्लोप बराबर होगा होगा. अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है तो उस दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स और वाई तो सेम रहता है पर सी आपका चेंज हो जाता है. तो इक्वेशन तो ये होगी पर हमें सी की वैल्यू नहीं पता, सी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. तो क्या करूँ, इस वाले के अंदर कॉमा ये पॉइंट रख दो 2, 3, 4 × 2 - 3 × 3 प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें रखो ये वैल्यू, तो सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 8 - 9 + c = 0. तो c की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से +1. नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस अगेन, तो 4x + -3y
प्लस वन इक्वल टू जीरो. सो दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे. एंड इस तरह के और भी मॉडल पेपर हम आपके लिए लाते रहेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. जय हिंद. अगर आप हैं हकदार तो एमकेसी बढ़ा रहा है आपकी तरफ मदद का हाथ. फौज का सपना देखने वाले, वर्दी की चाह रखने वाले, मेहनत का सौर गरीब बच्चों के हौसलों को उड़ान देने के लिए मेजर कल्सी क्लासेस लेके आया है SC/ST एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप 90% तक की फीस में छूट प्राप्त कर सकते हैं. इस एग्जाम में 9th, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन तक के सभी कैंडिडेट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यह एग्जाम हर संडे को कंडक्ट किया जाता है, तो देर किस बात की. उठाइए अपना फोन और आज ही रजिस्टर्ड कीजिए majorkalsiclasses.com/scholarship पर. और अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9696330033. जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज अंसारी सर, इंग्लिश फैकल्टी. वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल. बच्चों एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ नेवी SSR का इंग्लिश मॉडल पेपर लेकर. जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और हमारी टीम यानी मेजर कल्शी बराबर इस प्रयास में है कि आपके डिफेंस से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के मॉडल पेपर्स को आप तक पहुंचाया जाए. और उसी कड़ी में मैं आपके सामने हूं. देखिए आज इंग्लिश में देखते हैं कि आज क्या है. ये मॉडल पेपर आपका इंग्लिश का है, जिसमें मैं पहला क्वेश्चन का डायरेक्शन पढ़ने जा रहा हूं, जिसमें लिखा है फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी. इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी. इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चन आपको स्पॉटिंग एरर्स के मिलेंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, जिसमें कहीं पर भी एरर हो सकती है. यानी इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए बी और सी. इसी में कहीं पर एरर हो सकती है. अगर नहीं होगी तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है डी का. तो आइए देखते हैं. इट बीइंग अ रेनी डे मनोज डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम. आप देख सकते हैं कि जब हमने सेंटेंस को पढ़ना शुरू किया तो इट बीइंग अ रेनी डे मनोज डिसाइडेड, मनोज ने तय किया टू स्टेट. बच्चों ये क्वेश्चन इन्फिनेटिव से लिया गया है. आप जानते हैं कि जब कभी भी हम टू की बात करते हैं, जब कभी भी हम टू की बात करेंगे तो टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका टू है, टू के बाद हमने क्या लिया है, स्टेट. यानी जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, स्टेट है. तो टू के साथ हमेशा हम क्या करेंगे, स्टे लगाएंगे. तो एरर आपकी बी पार्ट में है और सही सेंटेंस होगी टू स्टे. अब आगे बढ़ते हैं. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आई शैल मेक यू टू राइट एन एग्रीमेंट. माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा नॉन फाइनाइट से लिया गया. आई शैल मेक यू, मेक के बाद कभी भी दूसरी वर्ब जब ली जाती है उसमें हम कभी भी टू नहीं लगाते. तो आई शैल मेक यू राइट ये सेंटेंस होगी. यानी यहां पर जो टू आया है इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा. एरर आपकी बी पार्ट में है तो यहां से टू को हटा दीजिए. अब आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन, राधा वॉज हर्ड टू सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग सो मेनी टाइम्स ऑन टेलीविजन एंड वॉज अवार्डेड मेनी प्राइजेस. माई डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं नॉन फाइनाइट से लिया गया है. कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जैसे हर्ड, हियर है, सी है, नोटिस है, फील है. इसके बाद हम जनरली ing फॉर्म लेते हैं, यानी टू सिंग की जगह क्या करते हैं, सिंगिंग कर देते हैं. तो राधा वॉज हर्ड सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग. तो ये सेंटेंस आपकी ए पार्ट में एरर होगी और टू सिंग की जगह हम क्या करेंगे, सिंगिंग. अब आगे बढ़ते हैं. चौथा क्वेश्चन हमारा है, ही हैज बीन विजिटिंग द ऑफिस ऑलमोस्ट डेली फॉर लास्ट 4 वीक्स. माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है. ही हैज बीन विजिटिंग द ऑफिस ऑलमोस्ट डेली फॉर लास्ट 4 वीक्स. तो ये फॉर जो आया है यहां पर हमें सिंस की जरूरत है, क्योंकि जब लास्ट 4 वीक्स होगा, देखिए अगर खाली 4 वीक्स होता, 4 मंथ्स होता, 4 ईयर्स होता तो आप फॉर लगाते, लेकिन जब उसके पहले लास्ट आ जाता है तो वहां पर हम सिंस लगा देते हैं. और एक रूल और इसमें और है कि अगर द लास्ट होता तो ये सही था. तो एरर इज इन द सी पार्ट. यहां पे फॉर हटाकर हम क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे, क्योंकि यहां पे लास्ट लगा हुआ है. तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डायरेक्शन की तरफ चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स, नेवी में फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन आते हैं. तो
तो आइए देखते हैं क्या लिखा है. फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड वन. फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी जहां पर जगह खाली वहां पे सही शब्दों को भरना है. दैट इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक. वन फोर्थ ऑफ द बुक डॉट डॉट रेड बाई मी. माई डियर स्टूडेंट्स, वन फोर्थ हो या टू थर्ड्स हो, थ्री फोर्थ हो, इसके बाद कौन सी वर्ब आएगी? ये जो नाउन आता है, यानी वन फोर्थ या टू थर्ड्स के बाद जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लेते हैं. जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे बुक है, तो बुक सिंगुलर है, तो यहां पे इज आना चाहिए. तो देखिए, अगर हम देखते हैं सिंगुलर वर्ब की बात करते हैं तो आर यहां पर है, यहां पे एन है, हालांकि वर्ब ही नहीं है और वर्ब आपका प्यूरल है. तो सही जवाब आपका क्या है? ए है. आई सॉ अ थीफ. देखिए, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं नॉन फाइनाइट से लिया गया. आई सॉ, सॉ के बाद, हमने अभी इसके पहले बताया था, हियर के बाद, सॉ के बाद, नोटिस के बाद हम आईएनजी लेते हैं. तो ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया कि आई सॉ अ थीफ और इसके बाद हमें आईएनजी ही लेना है. तो आईएनजी किस में है? ए पार्ट में. पीपिंग थ्रू द होल. पीप का मतलब झांकना होता है और होल का मतलब छेद होता है. थ्रू द होल यानी छेद के जरिए. तो देखिए, सही आंसर आपका क्या है? ए है. आगे देखते हैं. ही वॉज वेरी लेबोरियस होल हिज लाइफ डॉट डॉट ही इज रिच टूडे. माई डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका कंजंक्शन से लिया गया है. ही वॉज वेरी लेबोरियस होल हिज लाइफ एक सेंटेंस है. अब दूसरी सेंटेंस यानी ही इज रिच टूडे, इसको जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत है. तो कौन सा कंजंक्शन आएगा? यानी अगर इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, ही वॉज वेरी लेबोरियस होल हिज लाइफ, इसका मतलब वो पूरी जिंदगी बहुत मेहनती था, तो इसीलिए आज वो रिच है. इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर हम देयर फॉर लगाएंगे. एंड एज वेल एज बोथ, ये सब जोड़ने का काम करते हैं. यानी यहां पे जो प्रीपोजिशन आएगी वो कहीं ना कहीं रिजल्ट की बात कर रही है, यानी उसने मेहनत की इसलिए वो अमीर है. तो यहां पर देयर फॉर इज द करेक्ट आंसर. अब देखिए, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट्स विद द गिवन ऑप्शंस बिलो. यानी कुछ क्वेश्चंस आपके इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस की भी होते हैं. तो आइए देखते हैं. राहुल इज एनफ रिच टू बाई अ कार एंड टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ विथ अदर फैमिली मेंबर्स. डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक अंडरलाइन पार्ट होता है जो आपके सामने है और इसको आपको इंप्रूव करना होता है. ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं एडवर्ब और एडजेक्टिव से लिया गया है. हमेशा याद रखिए कि एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करता है. तो अगर इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इनफ आपका यहां पे एडजेक्टिव है और रिच भी एडजेक्टिव है, क्योंकि रिच के पहले एनफ आया है. यानी किसकी विशेषता बता रहा है? रिच की. लेकिन ऐसी कंडीशन में जब रिच की विशेषता कोई भी बताता है तो वो एडवर्ब एडजेक्टिव नहीं होता, एडवर्ब होता है. तो एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव के बाद यहां पर लगाया जाता है. यानी एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है. तो यहां पर देखिए, ये सेंटेंस आपकी क्या हो जाएगी? रिच एनफ. और हम देखते हैं कि रिच एनफ किस में है? सी में है. तो राहुल इज रिच एनफ टू बाई अ कार एंड टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ विथ अदर फैमिली. तो सही जवाब हमारा क्या होगा? सी, रिच एनफ. आई शैल रिटर्न फ्रॉम लखनऊ ऑन नेक्स्ट वीक. माई डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन प्रीपोजिशन से लिया गया है. नेक्स्ट हो, लास्ट हो, नेक्स्ट लास्ट के पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता. अगर नेक्स्ट और लास्ट के बाद कोई टाइम दिया है ये, तो इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है. तो सही जवाब आपका क्या होगा? नेक्स्ट वीक. यानी सही ऑप्शन होगा सी. अब देखिए, ऑलरेडी वी हैव वॉच्ड दिस मूवी ट्वाइस. ये पूरा ही अंडरलाइन सेंटेंस, ये सेंटेंस पूरी ही अंडरलाइन है, तो हमें इसको सही क्रम देना है. याद रखिए कि जब कभी भी कोई सेंटेंस आप लिखते हैं और वो असर्टिव होती है तो वो सब्जेक्ट से शुरू होती है. वी हैव वॉच दिस मूवी ट्वाइस, ये तो सही हो जाएगा. वी हैव वॉच दिस मूवी ट्वाइस. अब इसमें ऑलरेडी को सेट करना है. सवाल ये है कि ऑलरेडी आता कहां पर है? ऑलरेडी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है. तो हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलरेडी कहां है. ए में तो पहले ही आ गया है, फिर बी में वी ट्वाइस गलत हो गया, सी में देखते हैं वी हैव ऑलरेडी, यानी हैव के बाद ऑलरेडी आया है. वॉच्ड दिस मूवी ट्वाइस, यानी यही आपका सही आंसर है. यानी सही आंसर आपका है सी. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. देखिए, ये जो क्वेश्चन है
सिक्स सेंटेंसेस आर गिवन, फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंसेस आर एट द प्रॉपर प्लेस, बट द मिडिल फोर सेंटेंसेस विच आर कॉल्ड पी क्यू आर एस आर नॉट एट द प्रॉपर प्लेस. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉपर सीक्वेंस एंड मार्क अकॉर्डिंगली ऑन द आंसर शीट. सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जिसको हम लोग पी क्यू आर एस बोलते हैं. इसमें छह सेंटेंसेस होती हैं, कभी कभी चार भी होती हैं, लेकिन आज हमारे पास छह सेंटेंसेस हैं जिसमें फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस आपकी दी हुई है. पहली सेंटेंस को पढ़ते हुए दूसरी सेंटेंस को हम लोग ढूंढते हैं ऑप्शन के जरिए. तो यहां पे देखिए, ऑप्शन थोड़ा सा नीचे है लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ के देखते हैं. द बस स्पेड अलोंग द रोड, यानी जो बस थी वो रोड पर तेजी से चल रही थी. अब देखिए, अगर हम इसकी दूसरी सेंटेंस लगाते हैं बट द बस कुड नॉट स्टॉप ओनली आफ्टर कवरिंग अ फ्यू आवर्स, तो ये हो नहीं सकता. द ड्राइवर इट इंजर्ड द डॉग इन द लेग, अब ये ऐसा नहीं है कि यहां पे कहीं किसी कुत्ते का जिक्र है, तो कुत्ता कहां से आया. द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक, ड्राइवर ने ब्रेक क्यों लगाई भाई, जब वो चल रहा है तो ब्रेक क्यों लगा देगा अचानक, उसका कोई कारण ही नहीं है. अब आगे देखें चौथी सेंटेंस, सडनली अ स्ट्रे डॉग रैन ऑन टू द मिडिल ऑफ द रोड. अब देखिए, ये आपकी दूसरी सेंटेंस हो सकती है. क्या कह रहा है कि अचानक एक आवारा कुत्ता रोड के बीचों बीच आ गया. तो जब रोड के बीचों बीच आ गया तो हम देखते हैं कि एस से कोई सेंटेंस स्टार्ट है. जी, दो सेंटेंसेस हैं ए और बी, अब इसी में से दोनों एक हो सकती हैं. अब ये देखते हैं कि एस के बाद पी आता है कि आर आता है. तो देखिए, एस के बाद अगर ड्राइवर ने कुत्ते को देखा, सडनली अ स्ट्रे डॉग रैन, तो उसने देखा तो वो क्या करेगा, द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक. जाहिर सी बात है कि उसने कुत्ते को देखा और उसने ब्रेक को अप्लाई किया. तो एस आर बी आंसर आपका होगा, क्योंकि एस आर बी ही में है. उसके बाद देख लीजिए, बट द बस कुड नॉट स्टॉप आफ्टर कवरिंग अ फ्यू यार्ड्स, लेकिन बस नहीं, बस रुकी कुछ यार्ड्स चलने के बाद. तो उसका नतीजा क्या हुआ, इट इंजर्ड द डॉग इन द लेग. तो आपका सही जवाब होगा बी. देखिए, इसको पढ़ सकते हैं बहुत आसानी के साथ. अब आगे देखिए, द बस स्पेड अलोंग द रोड, सडनली अ स्ट्रे डॉग रैन ऑन टू द मिडिल ऑफ द रोड. जब वो आया तो ड्राइवर ने क्या किया, द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक, बट द बस कुड स्टॉप ओनली आफ्टर कवरिंग अ फ्यू यार्ड्स. और उसका नतीजा क्या हुआ, इट इंजर्ड द डॉग इन द लेग. और देखिए, द डॉग वेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब उसको चोट लग गई तो डॉग बहुत देर तक रोता रहा. तो आपका सही आंसर है बी. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है, व्हेन द कार पास्ड बाय, यानी जब कार गुजरी कहां से, ही थ्रू अ स्टोन, तो उसने पत्थर फेंक दिया. भाई क्यों फेंकेगा, कोई रीजन ही नहीं है. रेजिंग डस्ट इन द रोड, ये हो सकता है कि जब कार निकली तो उसने क्या किया, रोड पर धूल उड़ाते हुए निकली. एंड हिट द मैन हु, देखिए, एंड हिट द मैन हु वाज ड्राइविंग इट, नो, अभी मारने पीटने की कोई बातें नहीं है. तो देखिए, व्हेन द कार पास्ड बाय रेजिंग डस्ट इन द रोड, ये आपका सही है. क्यों हम देखते हैं कहां पर, एक ही जगह है बी में. तो अब देर ना करते हुए बी को हम आंसर मान लेते हैं और एक बार पढ़ लेते हैं कि व्हेन द कार पास्ड बाय रेजिंग डस्ट इन द रोड, इसके बाद आएगा पी, ही थ्रू अ स्टोन, उसने एक पत्थर फेंका, फिर विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से, और उसका नतीजा क्या हुआ, एंड हिट द मैन हु वाज ड्राइविंग इट. तो बच्चों, सही जवाब आपका है बी, आप पढ़कर देख सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द गिवन वर्ड, यानी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जब कोई आपको एक शब्द दे दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि भाई व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड. तो देखिए, कॉस्टली आपका क्या है, ऐसे ही देख सकते हैं. जैसे आपने कहा कि भाई ये पेन बहुत कॉस्टली है, तो ये पेन की विशेषता बता रहा है. या घर बहुत कॉस्टली है, ये शर्ट बहुत कॉस्टली है. तो कॉस्टली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. यानी जब किसी नाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव होगा. तो एडजेक्टिव हमारा बी में है, हम बिना सोचे समझे बी को आंसर कर देंगे. अब आगे बढ़ते हैं. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. अब देखिए, कुछ सिनोनिम्स हैं,
यानी बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का मतलब होता है सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स आया है ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब छोटा होता है, शॉर्ट होता है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डी आपके सामने दिख रहा है, ब्रीफ यानी शॉर्ट में, स्मॉल का मतलब साइज में छोटा होता है, ब्रीफ कोई चीज भी होती है वो शॉर्ट होती है, लिमिटेड नहीं होगा, लिटिल भी नहीं होगा, तो सही जवाब क्या है, शॉर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अगस्त, अगस्त का मतलब होता है बहुत ही शानदार, तो हम देखते हैं कि शानदार कॉमन शानदार होता नहीं, रेडिकुलस का मतलब हास्यपद होता है, ऑड होता है, डिग्निफाइड आपका बहुत शानदार होता है, लोग कहते भी हैं कि हमारी भाई डिग्निटी से मत खेलो, तो डिग्निफाइड, और उसके बाद पेटी का मतलब होता है तुच्छ, तो सही जवाब आपका क्या है, डिग्निफाइड, अगस्त डिग्निफाइड। इसके बाद डायरेक्शन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आप जानते हैं कि अपोजिट वर्ड जो होते हैं यानी जिसको हम एंटोनिम बोलते हैं, तो आइए देखते हैं कि कौन से अपोजिट है, एक्सोडस एग्जिट से लिया गया, किससे लिया गया, एग्जिट ई एक्स, एक्स का मतलब ही होता है बाहर, तो बच्चों एग्जोडस का मतलब होता है जो लोग प्लायन करते हैं, प्लायन यानी अपना घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जोडस। अब इसमें देखते हैं कि इसका उल्टा कौन है, रिटर्न होगा नहीं, सॉलिड होगा नहीं, इनफ्लक्स आगमन। तो देखिए एक चीज और हमें देखनी होती है कि जब हम कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स करते हैं तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ख्याल रखते हैं, एग्जोडस आपका नाउन है तो हमें यहां पे नाउन ही चाहिए, रिटर्न आपका वर्ब है, सॉलिड तो होगा ही नहीं, मान लीजिए कोई बच्चा कहता है सर रिटर्न वापसी, तो रिटर्न आपका वर्ब है, तो इनफ्लक्स आपका ये कहीं ना कहीं एग्जोडस का मैच करता हुआ नाउन है, और होम कमिंग ये हो ही नहीं सकता, तो आगे देखिए एग्जोडस का आपका हो गया इनफ्लक्स यानी ए। अब बात करते हैं कल्पेबल की, कल्पेबल का मतलब होता है अपराधी, कल्पेबल यानी जो कोई चीज, कल का मतलब कहीं ना कहीं मारने से भी होता है, तो पेबल यानी जो मारपीट कर सकता है यानी कहीं ना कहीं वो अपराधी है, और डिफेंडेबल आप जानते ही हैं यानी बचाओ, ब्लेमलेस यही इसका उल्टा होगा, यानी जो अपराधी है और जिसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, केयरलेस हो नहीं सकता, एरिड का मतलब सूखा होता है, तो बच्चों इसका उल्टा होगा ब्लेमलेस यानी बी। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड इडियम एंड प्रोवर्ब्स, यानी कुछ क्वेश्चन इसमें इडियम्स के भी होते हैं, जैसे टू क्रॉस सोर्ड्स, अब देखिए सिंपल सी बात है कि दो लोग खड़े हैं, दोनों लोगों ने तलवारें निकाल ली, तलवारों को क्रॉस कर दिया, यानी कि दुश्मनी, ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्रॉस सोर्ड यानी जब तलवार लड़ती है, देखिए एक दूसरे को क्रॉस करती है, यानी कि ये दुश्मनी हो गई, तो सही जवाब क्या है, जब दुश्मनी होगी तो फाइट होगी, यानी टू फाइट, क्रॉस सोर्ड का मतलब क्या हुआ, फाइटिंग करना यानी टू फाइट। इन क्वेश्चन गिवन बिलो आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड्स, या सेंटेंस, कहने का मतलब यह है कि ये क्वेश्चन इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी आता है, जैसे इसमें अगर मैं क्वेश्चन देखूं, वन हु पजेसेस मेनी टैलेंट्स, यानी जिसके पास बहुत सारा टैलेंट होता है बच्चों, तो जिसके पास बहुत सारा टैलेंट होगा उसको हम वर्सेटाइल बोलते हैं, वर्सेटाइल बहुत ही प्यारा वर्ड है, जैसे किशोर कुमार वॉज अ वर्सेटाइल एक्टर, यानी वो गा भी लेते थे, बजा भी लेते थे, तो वर्सेटाइल जिसके पास बहुत सारा टैलेंट होता है। न्यूबाइल का मतलब होता है विवाह योग्य, जैसे कोई लड़की है अगर वो न्यूबाइल है यानी विवाह करने लायक है, और एक्सेप्शनल आप जानते हैं जो अपवाद होता है, एक्टर आप जानते ही हैं, तो वन हु पजेसेस मेनी टैलेंट्स यानी वर्सेटाइल। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द करेक्ट पंक्चुएशन, पंक्चुएशन के भी एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए पंक्चुएशन में, हालांकि पंक्चुएशन तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, लेकिन यहां पर क्या दिक्कत है, आइए हम देखते हैं। आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमन, अगर आप ब्यूटीफुल है तो देखिए ब्यूटीफुल के बाद हम कभी भी कॉमा नहीं लगा सकते क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमन, अभी देखिए इसमें कोई भी कॉमा या पंक्चुएशन नहीं लगा है, ये तो इन्होंने जो लगा दिया है ये टाइपिंग की वो है कि इन्होंने जो लगाया है ये इसको मिलाने के लिए लगाया है बेटा। तो यहां पर जो सही जवाब हो सकता है वो आपका आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमन होगा, नीचे वाला भी देख लेते हैं, आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन, फिर कॉमा लग गया ये गलत है, आई मेट अ ब्यूटीफुल ये भी गलत है, तो सही जवाब आपका बी है।
इसके बाद एक मिस स्पेल्ड का भी आता है, जैसे चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें तो थोड़ा सा आपको लिखना पढ़ना पड़ेगा, यानी जब स्पेलिंग आप सही करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिस करते रहिए। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर स्पेलिंग को कैसे सुधारा जाए, तो डियर स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी इजी टू इम्प्रूव स्पेलिंग वाइल रीडिंग एंड राइटिंग। रीड एंड राइट करिए, डेफिनेटली योर स्पेलिंग वुड बी एज इम्प्रूव्ड एज यू वॉन्ट टू बी। तो देखिए इसमें एड हियर, ये गलत है, एडवाइस, सॉरी मिस स्पेल पूछ रहा है, तो एड हियर आपका सही है, एड हियर की एकदम करेक्ट स्पेलिंग है। एडवाइस की भी आप देख सकते हैं एकदम करेक्ट है, एड्रेस की भी करेक्ट है। लेकिन अगर एडिक्शन की बात की जाए तो एडिक्शन में हमेशा डबल डी आता है, सिंगल डी नहीं आता है, तो सही जवाब आपका डी होगा, यानी ये गलत लिखा हुआ है। एडिक्शन इज द राइट आंसर, यानी ये मिस स्पेल्ड है। अब देखिए एक पैसेज जो आता ही है, तो आइए जल्दी से इसको पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट ऑफ द पॉलिटिकल कॉज ऑफ वॉर इज सेल्फ, ये कह रहा है कि जो पहली राजनीतिक, पहला जो राजनीतिक कारण वॉर का है वो सेल्फ है, यानी खुद से है। मेनी वॉर्स हैव बीन फॉट, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई, अमंग अदर रीजंस, बहुत सारे कारण थे उसके, फॉर द सेक ऑफ सीजिंग सम स्ट्रेटेजिकली वैल्यूएबल पीस ऑफ टेरिटरी। उसमें से एक कारण ये भी था कि जो स्ट्रेटेजिकली वैल्यूएबल पीस ऑफ टेरिटरी है, यानी जो सीमा है जिसका एक अलग ही महत्व है, उसको कैप्चर करने के लिए भी लड़ाइयां लड़ी गई, और इन आवर ऑर्डर टू सिक्योर अ नेचुरल फ्रंटियर, या तो जो हमारा नेचुरल फ्रंटियर, जैसे हमारा LOC है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, तो हमारी वो है, वो हमारी नेचुरल फ्रंटियर है, यानी हम उसको सुरक्षित रखने के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं। दैट इज टू से, यही कहना है, अ फ्रंटियर विच इज इजी टू डिफेंड एंड फ्रॉम विच इट इज इजी टू लॉन्च अटैक्स अपॉन वंस नेबर्स। अब देखिए हमारी जो फ्रंटियर है, यानी हमारी जो सीमा है, उसको हम आसानी से डिफेंड भी कर सकते हैं और वहां से हम दुश्मनों के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं, यानी वहीं से हम अपनी लड़ाई को भी लड़ते हैं। प्योरली मिलिट्री एडवांटेजेस आर ऑलमोस्ट एज हाईली प्रेज्ड बाय द रूरल्स ऑफ नेशंस एज इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। ये क्या कह रहा है कि जो प्योरली मिलिट्री एडवांटेजेस हैं, यानी इससे जो हमें लाभ मिलता है, वो ऑलमोस्ट ऐसे ही हाईली प्रेज किए जाते हैं शासकों के द्वारा, जैसे कि किसी भी देश की इकोनॉमिक के एडवांटेज को की तारीफ की जाती है। द पोजिशन ऑफ एन आर्मी, आर्मी जिसके पास होती है नेवी और एयरफोर्स, इज इट सेल्फ अ रीजन फॉर गोइंग टू वॉर, यानी जिसके पास मजबूत आर्मी होगी एयरफोर्स होगी, ये भी एक कारण है कि वो लड़ाई लड़ना चाहता है। जैसे आप देख सकते हैं कि चाइना अपने आप को ताकतवर बनता है, वो अक्सर कुछ ना कुछ घुसपैठ हमारे देश में करता रहता है, तो अमेरिका है कहीं ना कहीं अपने संसाधनों को इस्तेमाल करता रहता है, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जिसके पास मजबूत आर्मी होगी, नेवी होगा, एयरफोर्स होगा, वो भी एक कारण बनता है लड़ाई लड़ने का। वी मस्ट यूज़ आवर फोर्सेस नाउ, और हमें अब अपनी फोर्सेस को अवश्य यूज़ करना चाहिए, किस लिए, सो रन्स द मिलिट्रीएस्ट आर्गूमेंट, यानी इस बात को सत्य करने के लिए कि किसी मिलिट्रीस्ट ने कहा था, किसी मिलिट्रीस्ट ने कहा था, क्या कहा था, इन ऑर्डर दैट वी मे बी इन पोजिशन टू यूज देम टू बेटर इफेक्ट नेक्स्ट टाइम, यानी जब उनको हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो जब कभी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट टाइम तो हम उनको अच्छे से यूज कर सकते हैं, नहीं तो अगर यूज नहीं हो रहे तो पड़े पड़े उसमें जंग लग जाएगी। तो बच्चों ये था पैसेज, अब आइए इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा। व्हाई हैव वॉर्स बीन फॉट, पहला ही क्वेश्चन है कि वॉर्स क्यों लड़ी जाती है। टू यूज वेपन्स एंड मेक रूम फॉर फ्रेश परचेस, नो, बिकॉज पीपल वॉन्ट टू शो देयर नेबर्स दैट दे आर स्ट्रांग, नो, टू कैप्चर सम एरियाज ऑफ अनदर कंट्री विच आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, पहले ही लिखा हुआ है, आप देख सकते थे यहां पर, ये देखिए। तो जब आपने पैसेज को पूरा पढ़ लिया तो इसमें लिखा हुआ है कि ये देखिए, फॉर द सेक ऑफ सीजिंग सम स्ट्रेटेजिकली वैल्यूएबल पीस ऑफ टेरिटरी, तो यही हमारा आंसर है, यानी सी इज द राइट आंसर, टू कैप्चर सम एरियाज ऑफ अनदर कंट्री विच आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डज अ नेचुरल फ्रंटियर मीन्स। अब देखिए अभी मैंने बताया कि नेचुरल फ्रंटियर क्या होता है, जो हमारी सीमाएं होती हैं, एन एरिया ऑन द बॉर्डर फ्रॉम वेयर यू कैन कीप वॉच ऑन और अटैक योर एनिमी, सम प्लेस
on the border of a country having beautiful natural scenery. No, a border line that has been naturally chosen by two neighboring countries. A sudden gift of land by nature because of sudden. A border line that has been naturally chosen by two neighboring countries. तो सही जवाब यही होगा कि जो नेचुरल फ्रंटियर है वो एक बॉर्डर होता है, यानी दो देशों के बीच में. तो आपका जो जवाब है वो क्या है? सी है. आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मिलिट्री एडवांटेजेस एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस. यानी इसका मतलब क्या बताया गया? आर द सेम फॉर अ कंट्री? नो. मे और मे नॉट बी द सेम बट द रूलर्स मेक देम अपीयर टू बी द सेम. अब देखिए, ये दोनों चीजें सेम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शासक इसको सही साबित कर सकते हैं. जैसा कि पैसेज में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास शक्ति है, ताकत है, तो कहीं ना कहीं मिलिट्री डिसएडवांटेजेस भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक देखिए जो मिलिट्री एडवांटेजेस है वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस की तरह हो सकता है. तो सही जवाब आपका बी है. सी है. आर कंप्लीटली डिफरेंट? नो. और इसके बाद देखते हैं, फॉर अ कंट्री गो अगेंस्ट ईच अदर, ये भी नहीं होगा. अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया, व्हाट इज द रीजन फॉर गोइंग टू अ वॉर? गोइंग टू वॉर का रीजन क्या है? बिकॉज एवरी कंट्री वॉन्ट्स टू डिफेंड इट्स टेरिटरी. नो. द पोजिशन इफ एन आर्मी नेवी एयरफोर्स इज इट्स सेल्फ अ रीजन फॉर गोइंग टू अ वॉर. यही सही आंसर है. आपने देखा होगा पैसेज के लास्ट में पढ़ा हुआ है. तो बच्चों ये था 25 क्वेश्चंस का कलेक्शन जिसको हमने डिस्कस किया. आई होप कि आपके बहुत ही काम का होगा और इससे आप लोग अपनी अच्छी से प्रिपरेशन कर सकेंगे. तो बच्चों आज के लिए इतना है. फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दूसरे किसी और डिफेंस एग्जाम के मॉडल पेपर के साथ. तब तक के लिए जय हिंद. सो जय हिंद गाइस, मैं सत्यप्रकाश शर्मा आपका सबका स्वागत करता हूँ आज नेवी के मॉडल पेपर में. और हम यहाँ पर लेके आए हैं आपके लिए 25 फिजिक्स के बेहतरीन सवाल जो आपकी सीट आपके नेवी के एग्जाम में पक्का कर सकते हैं. ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो हमारे जो 25 सवाल हैं ये पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करते हैं. और ये जो 25 सवाल बनाए गए हैं ये एकदम आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं. ऑलराइट गाइस, तो बिना देरी किए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं. और हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो हम देखते हैं, टॉर इज द यूनिट ऑफ, मतलब टॉर निम्न में से किसकी इकाई है. तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, और इसका जो आंसर है आप लोग सीधा सीधा मार सकते हो, दैट इज प्रेशर. मतलब कि इसका जो आंसर है वो क्या है? दाब. ऑलराइट, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ. और हमारा अगला सवाल है यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2, और ये हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन का सवाल है. तो बच्चों आप लोग देख पाओगे, जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है. तो इन द रिलेशन अल्फा इक्वल टू बीटा टी प्लस लैम्डा, अल्फा एंड लैम्डा आर द मेजर्ड इन मीटर एंड टी इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, द एसआई यूनिट ऑफ बीटा मस्ट बी. तो यहां पर बच्चों हम अल्फा और लैम्डा किसकी बात कर रहे हैं? मीटर्स में दिए गए हैं. तो हमें क्या करना है कि हमें पता है कि यूनिट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू यूनिट ऑफ लैम्डा, ये दिया गया है. ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों क्या होगा कि ये और भी बराबर हो जाएगा यूनिट ऑफ बीटा टी. ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि द क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स एंड डायमेंशन कैन ओनली बी एडेड, कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड. मतलब जिनकी विमा समान होती है, जिनकी इकाई समान होती है, मात्रक समान होती है, हम उन्हीं राशियों को जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं. तो यहां पर जोड़ा गया है और साथ ही साथ यहां पर इक्वेट भी किया गया है, मतलब बराबर भी किया गया है. तो हम लिखेंगे बच्चों अल्फा का जो यूनिट है वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और सॉरी यहां पर दिया गया है आर मेजर्ड इन मीटर, सॉरी. तो यहां पर जो है ये हमारा मीटर में नापा गया है और हमें बीटा निकालना है, और ये जो टी है वो सेकंड में हो जाएगा. तो बीटा का जो यूनिट है वो हो जाएगा ms-1, मतलब कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी. ठीक है, हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बच्चों, तो आई होप आप लोग मैनेज कर पाओगे. तो यहाँ पर जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड. तो बेसिकली बस दो चार बातें आपको याद रखनी है कि क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशन कैन ओनली बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड.
ठीक है। तो जहां पर भी दो तीन क्वांटिटीज को इक्वेट किया गया है, ऐड किया गया है या सब्ट्रैक्ट किया गया है, उनके यूनिट्स क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। ऑलराइट गाइस, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो इसको हम लोग दो पार्ट में सीखते हैं बच्चों, एक बार इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सीख लेंगे, एक बार हिंदी वाले बच्चों के लिए सीख लेंगे। कहा जा रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू द फर्स्ट स्टेशन एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन आर रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर जब बात की जाती है तो बच्चों आप देख पाओगे कि अगर मान लो कि ये स्टेशन ए से चलकर के ट्रेन कहाँ जा रही है, स्टेशन बी तक जा रही है और फिर बी से चलकर के वापस आ रही है, तो यहां पर जो डिस्टेंस होगा, अगर मान लो कि एस डिस्टेंस जाता है तो एस डिस्टेंस वापस भी आएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। ऑलराइट, क्योंकि गया और आया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट यहां पर जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं स्पीड की। तो यहां पर देखो आप लोग, इधर से जाने में एस डिस्टेंस और आने में एस डिस्टेंस, तो जब बराबर दूरी तय की जाती है, व्हेन द डिस्टेंसेज आर ट्रेवल्ड बोथ आर इक्वल, सो हाफ डिस्टेंस एंड हाफ डिस्टेंस, सो वी हैव अ रेडीमेड फॉर्मूला फॉर दिस, दैट इज 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 plus v2। तो सारे के सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, दिस विल बी 2 × 40 × 60 एंड डिवाइडेड बाय 40 plus 60। सो व्हेन यू सॉल्व दिस वी आर गोइंग टू गेट दिस एज 48 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, सो द स्पीड विल बी 48 एंड वेलोसिटी विल बी जीरो। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज यू कैन सी दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, सो एवरेज स्पीड वी हैव टू फाइंड फर्स्ट एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। सो आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट गाइस, तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये बात क्लियर हो गई होगी, मुझे जहां तक उम्मीद है। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी वाले बच्चों की। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन, आपका प्रश्न रहा यहां पर, ये कहा जा रहा है कि एक ट्रेन है जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक 40 की चाल से जाती है और वहां से वापस आती है 60 की चाल से, ठीक है। तो ट्रेन की औसत चाल तथा औसत वेग क्रमशः होंगे, है ना बच्चों। तो यहां पर हम लोग कर लेंगे पहली बात कि हम लोग चाल निकाल लेंगे। तो यहां पर ये जितनी दूर जा रहा है उतनी ही दूर आ रहा है, तो जब चाल निकालेंगे, एवरेज चाल निकालेंगे, तो ये 2v1v2 / v1 plus v2 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 60, मतलब 60 × 40, समझ लेना भाई, ये हो जाएगा 40 plus 60। हमने इधर उधर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आर। लेकिन जब ट्रेन यहाँ से चली और वापस यहाँ पर आ गई, तो इसका जो विस्थापन है बच्चों क्या हो जाएगा? विस्थापन हो गया हमारा शून्य। तो जब विस्थापन शून्य हो गया तो वेग भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, काम खत्म। तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में आपको यह समझना है कि दूरी आधी आधी कर रखी है या फिर समय आधा आधा कर रखा है। समय आधा आधा रहता है तो हम करेंगे उसको v1 plus v2 by 2, और अगर दूरी आधी आधी है तो लिखेंगे 2v1v2 / v1 plus v2। इज दैट क्लियर गाइस? बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और अगला जो सवाल है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 4, और उसको हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। तो बच्चों आगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ध्यान से देखिए। यहां पर कहा जा रहा है कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 4th and 3rd second। मतलब एक पिंड विरामावस्था से चल रहा है तो उसके द्वारा 4th second और 3rd second में चली गई दूरियां क्या होंगी। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि चलो भैया फॉर्मूला लगा लिया जाए और जो आंसर आएगा हम उसको डिवाइड कर लेंगे। लेकिन नहीं, हम लोग एक बात याद रखेंगे, आपके टीचर्स ने, इवन अगर मैंने पढ़ाया तो मैंने भी आपको दिखाया होगा कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? 1:3:5 के रेशियो में होता है। मतलब कि अगर हम S1, S2, S3, S4 ऐसे बात करते जाएं तो पूरे के पूरे हमारे क्या मिलने चाहिए? ऑड नंबर मिलने चाहिए, विषम संख्याएं मिलनी चाहिए, जो अनुपात होगा वो विषम संख्या। तो देखो बच्चों, यहाँ पे चौथे सेकंड की बात कर रहा है, तो ये चौथा सेकंड कितना आ गया भाई? 7 आ गया। फिर उसके बाद तीसरे सेकंड की बात कर रहा है, तो तीसरे सेकंड में कितना है? तो 7/5। तो हमारा जो आंसर है वो क्या? ऑप्शन ए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
है कि नहीं? तो अगर आप ये रेशियो याद करते हो ना तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर गाइस? चलिए आगे चलते हैं। और यहां पर हमारे पास है अगला सवाल जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छी बात। देखो बच्चों, यहां पर है द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 6i + 8j मीटर पर सेकेंड, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। एक प्रक्षेपिका वेग 6i + 8j मीटर पर सेकेंड है, परास का मान क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को देखेंगे और छोड़ देंगे, बोलेंगे कि ऐसा तो हमने पढ़ ही नहीं रखा है। बच्चे ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है भाई, देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक प्रोजेक्टाइल है, ऐसे जा रहा है, यहां पे हमने किस चाल से फेंका था इसको? यू फेंका था। और अगर ये थीटा होता है तो हम लोग इधर तोड़ते थे इसको क्या? यू कॉस थीटा। और इधर हम लोग इसको ब्रेक करते थे यू साइन थीटा। तो क्या मैं इसको आई लिख दूं और मैं इसको जे लिख दूं? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम कह पाएंगे कि वेक्टर यू इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जे। ऑलराइट बच्चे, चलिए। और हमें पता है कि व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट द रेंज, जब हम कोशिश करते हैं कि परास निकालना है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज रिटन एज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो मतलब कि इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ देते हैं, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग दो बार लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं u साइन थीटा, दूसरी बार लिख लेते हैं हम लोग u कॉस थीटा और डिवाइड बाई g कर देंगे। तो आप देखना बच्चों, 2 लिख लेंगे u साइन थीटा, u साइन थीटा का कंपैरिजन कर लो तो बेटा आएगा आपका क्या? 8। और u cos थीटा का कंपैरिजन कर लो, आपको मिलेगा क्या? 6। तो देन वी डिवाइड बाई 10। तो आप लोग सॉल्व कर लेना, ये कितना आ जाएगा आपका? 9.6 मीटर आएगा। ठीक है बच्चे, किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए, तो करना कुछ नहीं है। अगर आपने इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक को तुलना कर लिया, अगर आपने ये बात समझ ली कि भाई अगर ये ऐसे प्रोजेक्टाइल होता है तो हम उसको अलग अलग बांट सकते हैं, और बांट लिया तो हम उसको आई और जे भी लिख सकते हैं, अगर इतनी बात आपके दिमाग में समझ में आ गई तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट वी कैन डिवाइड द कंपोनेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, योर आंसर इज ऑन द वे। ऑलराइट गाइस, चलिए, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 कमिंग ऑन योर स्क्रीन। चलिए, तो यहां बात करते हैं विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। ऑलराइट, चलिए, तो व्हाटएवर द वेट वी हैव दैट इज mg, मतलब कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से कौन है? तो भाई गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहा है, तो आप ये मत सोचने लग जाना, ये मत सोचने लग जाना भाई, है कि नहीं? ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे दो द्रव्यमान दे ही नहीं रखा है, हमें सीधा सीधा लगाना है mg। और बच्चे आप 1 × 9.8 कर दोगे और आपका आंसर हंसते खेलते आ जाएगा ऑप्शन B। आ गया कि नहीं? समस्या है? बिल्कुल भी नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। चलें आगे। ऑलराइट गाइस, तो चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है, थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है। और जब आप पढ़ोगे तो इट सेज दैट इफ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ मैन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट and when it is moving downwards with uniform acceleration a is 3:2, then the value of a is, मतलब कि एक लिफ्ट है, उसमें एक आदमी खड़ा है, तो जब वो रुका है तब उसका वजन और जब वो नीचे जा रहा है तब उसका वजन अलग अलग होगा। ये बात आप अच्छे से जानते हो। तो जब दोनों का अनुपात दिया गया है तो वो कितना है भाई? 3:2, मतलब 3 संबंध 2 है, तो त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो जब रुका हुआ है, जब रुका हुआ है तो हम उसको W लिख लेते हैं, वो कितना है भाई? mg। और जब नीचे जाएगा तो उसको W' लिख लेंगे, वो हो जाएगा हमारा क्या? mg - a। अब क्या करना है भाई? दोनों को डिवाइड करना है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो W/W' इज इक्वल टू mg/mg - a। ये गया घूमने, घूमने चला गया भाई। उसके बाद रेशियो देख लो, ये कितना है? 3:2, और ये हो जाएगा g, ये हो गया g - a,
अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा कर देना बच्चों, तो ये बन जाएगा 3g-3a इज इक्वल टू 2g। ओके जी, तो यहां पर जो a आएगा हमारा वो आपका कितना हो जाएगा, ये आएगा g डिवाइडेड बाय 3, ऐसे ही कुछ आएगा। जहां तक मुझे उम्मीद है 2g यहां गया 3g, तो 3g-2g g आएगा g बाय 3। ऑल राइट, चलिए तो ये बात हो गई हमारी क्लियर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं आगे, आगे चलते हैं प्रश्न के पास। उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी बात। यहां पर है टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो 4:1 आर मूविंग विद सेम लीनियर मोमेंटा। अब बोलो सर मोमेंटा, अरे मोमेंटा और मोमेंटम सेम होता है कि नहीं। तो यहां पर क्या होता है कि द रेशियो ऑफ देयर मासेस इज, मतलब कि समान संवेग वाले दो गतिमान पिंडों की गति ऊर्जाओं का अनुपात 4:1 है, तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात होगा। तो बच्चों यहां पर देखो हमारा जो पास फॉर्मूला है वो होता है 2mk। बहुत अच्छी बात, यहां पर दिया गया है कि दोनों का जो संवेग है वो बराबर है, मतलब मोमेंटा इसका बराबर है। तो ये बराबर है तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो द्रव्यमान के क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो व्हेन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, बेसिकली यू कैन राइट गाइस K1 डिवाइडेड बाय K2, दिस इज K, एक्चुअली डज नॉट लुक गुड, सो वी मेक इट लाइक दिस। तो ये कितना होना चाहिए, M2 बाई M1 होना चाहिए। तो हमें यहां पर पूछा जा रहा है कि द्रव्यमानों का अनुपात, मतलब बेसिकली दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट m1 बाय m2, सो व्हाट इज दैट, k2 डिवाइडेड बाय k1, सो दैट इज 4:1, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 1:4। तो क्या होना चाहिए आंसर, हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, इज दैट क्लियर। चलिए तो आप लोग देख पाओगे कि क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि नहीं, और अपनी रफ्तार मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं कि अगर आप स्लो करते हो तो छूट जाओगे यार, पीछे रह जाओगे, है ना। चला जाए आगे फटाफट, यहां बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो हम यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि इफ अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 0.02 meter, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज यू। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 0.1 meter, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों देखिए, यू एनर्जी होगी कभी जब हम उसको हाफ के एक स्क्वायर करते हैं, सॉरी ये रहेगा आपका 0.02 होल स्क्वायर। ऑलराइट, यदि एक लंबी स्प्रिंग को 0.02 मीटर खींचा जाता है तो इसकी स्थिति ऊर्जा यू हो जाती है। यदि इसे 0.1 मीटर तक खींचा जाए तो क्या होगा, तो हम यहां पे लिख देंगे यू डैश, इसको लिखेंगे 1/2, इसको लिखेंगे 0.1 का स्क्वायर, और फिर हम करेंगे दोनों को डिवाइड। तो हाफ से हाफ चला जाएगा, के से के चला जाएगा, तो यू डैश जो आएगा भाई वो हो जाएगा हमारा 0.01 डिवाइडेड बाय 0.04। एम आई राइट, नो, वन मोर जीरो विल कम लाइक दिस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल कम एज 25 U, यहां पे U लगेगा, तो आप इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका क्या, ऑप्शन डी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में जो भी डिस्टेंस देगा उसका स्क्वायर करना है और फिर सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप इट इज क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। ऑलराइट गाइस, चलिए चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर देखो लाइक अगेन मैं यहां पे हिंदी और इंग्लिश सेपरेट कर देता हूं, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ रेडियस 10 meter, एक्टिंग अ सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ 2 newton, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब कि 10 meter की त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक नियत चाल से चलती हुई एक वस्तु पर 2 newton का अभिकेंद्र बल लग रहा है, वस्तु की गति ऊर्जा ज्ञात करो, है कि नहीं। तो बच्चों जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कितना है, mv² / r, और ये कितना है, 2 newton दे रखा है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितना होगा, mv² / 2,
तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 बाई टू रहन देंगे और यहां से एम वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आना चाहिए, 2 इंटू आर जाना चाहिए, ये दोनों कट गए और त्रिज्या कितनी है 10 मीटर, तो हमारी जो आंसर आएगी मतलब कितना हो जाएगा 10 जूल, 10 जूल। तो अब ये मत सोचना कि एम वी निकालें, वी निकालें, सॉल्व करें, फिर सब्सटीट्यूट करें, नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहां से यहां तक एम वी स्क्वायर बाई आर और ये एम वी स्क्वायर बाई टू होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम वी स्क्वायर का वैल्यू रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा 10 जूल। ऑलराइट, चलिए लेट्स गो फॉरवर्ड और हमारे पास है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए ये भी थोड़ा सा लंबा है, इसको भी देख लेते हैं पार्ट बाई पार्ट। तो टू स्फीयर्स ऑफ मास एम एंड एम आर सिचुएटेड इन एयर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज एफ। The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force will now be. ठीक है, तो हमारे पास दो गोले हैं जिनका द्रव्यमान छोटा वाला m और बड़ा वाला m है, उनके बीच का जो बल है वो F है। अब क्या किया जाता है, दोनों के बीच में एक पानी भर दिया जाता है, पानी नहीं किसी तरह का एक द्रव भर दिया जाता है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब विशिष्ट गुरुत्व है 3। तो इसके इनके बीच के बलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भैया ये क्वेश्चन भले ही बड़ा है लेकिन इसका आंसर उतना ही छोटा है, और जो आंसर है बच्चों ये है ऑप्शन ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि माध्यम का फर्क नहीं पड़ता है गुरुत्वाकर्षण बल पर, माध्यम का कोई भी प्रभाव नहीं है, मीडियम डज नॉट अफेक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज। इज दैट क्लियर, क्लियर है, चलिए आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इज। कोई उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। अच्छा, कितना होगा भाई, तो अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो जो काइनेटिक एनर्जी आता है वो आता है हमारा gmm by 2r और जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो आ जाता है हमारा माइनस gmm by r। अब बताओ यार आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, कैसे आ जाएगा, काइनेटिक बाय पोटेंशियल कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1/2, है कि नहीं, ऐसे डिवाइड कर देना ये भी सिखाना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। अब बोलोगे सर माइनस माइनस का क्या करना है, तो बेटा ये रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग, अनुपात निकाल रहे हैं, तो जब अनुपात निकालेंगे तो हमें क्या करना है, इसको लेके रखना है 1/2, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव संख्या, तो आंसर आ जाएगा हमारा ये वाला। तो काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी ऊपर होना चाहिए, पोटेंशियल नीचे होना चाहिए, आप भाग दे देना ये आंसर आ जाएगा। अगर यही पोटेंशियल टू काइनेटिक पूछता तो हमारा उल्टा हो जाता, ये आएगा ऑप्शन 2। चले आगे, ओके, अगला सवाल बताना पड़ेगा क्या, अरे नहीं बताना है भाई, बिल्कुल नहीं बताना है। अगला सवाल ये रही हमारी, अगला सवाल तो ये, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज 3 times दैट इनसाइड अनदर बबल, देन रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड बबल इज। तो बोला जा रहा है कि किसी बुलबुले के अंदर जो आधिक्य होता है, आधिक्य दाब, आधिक्य बोलते हैं, जो प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो दिया गया है कि वो 3 गुना है भाई, मतलब कि जो P1 है वो P2 के 3 गुना है, और जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है बच्चों आपका 4T डिवाइडेड बाई R। ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन, ये हो गया हमारा पृष्ठ तनाव, तो यहां से हम कह पाएंगे कि P क्या हो जाएगा भाई, R के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक, तो यहां पे आप एक चीज और देख लेना भाई कि P1 बाई P2 इज इक्वल टू कितना होगा, 3:1 होगा। What is that? 3:1। अब देखो यहां पर पूछा जा रहा है कि उनके आयतन का अनुपात होगा, सो what इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, सो हम यहां पे लिख पाएंगे V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R2 क्यूब। तो ये हम लिख पाएंगे R1 बाई R2 का होल क्यूब, मतलब P2 बाई P1 का
होल क्यूब, ठीक है। चलो तो यहां पर देखो P1 वन बाई पी टू वन थ्री टू वन है तो ये हो जाएगा उल्टा, तो हम इसको लिखेंगे 1 बाई थ्री का होल क्यूब, तो ये आया जाएगा 1 बाई 27 ऑप्शन सी। किसी को दिक्कत आ रही क्या? नहीं आ रही है ना बच्चों। तो आपको क्या करना है, दाब आधिक्य का सूत्र देखोगे, जब आप सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव पढ़ोगे तो वहां पे आता है बुलबुले के अंदर दाब कितना होगा, मतलब ड्रॉप के अंदर दाब कितना होगा, मतलब पानी के बूंद के लिए दाब कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 4d बाई आर। तो 4d बाई आर होता है तो p हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां से कुछ कुछ कर लेंगे हम लोग, इतनी तो मैथ आती होगी। चलिए बच्चों आगे चला जाए क्या? ऑलराइट गाइस, तो चलिए हम लोग अगले सवाल के पास चलते हैं, और ये है हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। और ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा, इसको अच्छे से सीख लेना होगा बच्चों। और यहां पर कहा जा रहा है कि एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन कार्नोट साइकिल बिटवीन 227 डिग्री एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड, इट अब्सॉर्ब 6×10⁴ कैलोरी ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर देन अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क इज। अच्छा, एक आदर्श गैस, उसमें इंजन कार्नोट साइकिल के अनुसार 227 और 127 के बीच कार्य करता है, यह उच्च ताप पर 6×10⁴ कैलोरी ऊष्मा शोषित करता है, तो इंजन द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो बच्चों देखो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है इसको, हमें जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 1 - T2/T1, तो ये छोटा वाला टेम्परेचर, ये बड़ा वाला टेम्परेचर, और तो और जो एफिशिएंसी होती है वो वर्क बाई हीट के बराबर होती है, मतलब किया गया कार्य डिवाइडेड बाई उष्मा। आपको कितने नंबर मिले एग्जामिनेशन में और टोटल नंबर कितना था, परसेंटेज निकलता है कि नहीं, एग्जैक्टली द सेम थिंग वी हैव टू डू। तो सेम चीज करेंगे तो 1 - T2/T1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा W/Q, है ना बच्चों। अब क्या करना है कि 1 रहन देंगे, और ये देखो T2 कितना है 127, तो इसमें हम लोग कर लेंगे 273, तो 7 × 2 = 9 = 10 + 2 = 3 = 4, और 227 है तो 227 को क्या करना है, 273 ऐड करोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा 500, तो हम लिखेंगे 400/500 = W। तो कितना कार्य किया जा रहा है, तो कार्य कितना इंजन द्वारा कार्य में परिवर्तित उष्मा होगी, उष्मा शोषित, तो हमें यहां पर W निकालना है, और ये देख कितना रखा है 6×10⁴। चलिए तो इसको कट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/5 = W/6×10⁴। तो जब आप सॉल्व करोगे तो W = आ जाएगा 1.2×10⁴ कैलोरी, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, जब देखेंगे तो आंसर आपके सामने है यार, मुझे तो लगा कि हो सकता है जूल में कन्वर्ट किया हो, लेकिन उतनी समस्या नहीं दी गई है। तो ये यहां पर क्लिकिंग पॉइंट है, ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्योंकि जब भी पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाता है कि जो दक्षता होती है, जो एफिशिएंसी होती है, वो क्या होती है भाई, आउटपुट वर्क, मतलब वर्क डिवाइडेड बाय उष्मा, मतलब वर्क डिवाइडेड बाय हीट, मतलब किया गया कार्य डिवाइडेड बाय उष्मा, और साथ ही साथ ये भी होता है, दोनों को बराबर रखते चले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा सा मेहनत करने वाला तो है, लेकिन समझ में भी आ गया होगा। चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और यहां पर है हमारा अगला सवाल। बोला जा रहा है कि इफ टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन SHM इज ई, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट हाफ द एम्पलीट्यूड विल बी। सरल आवर्त गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा ई है, आयाम की आधी दूरी पर कण की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अच्छा ऐसा है क्या, चलो तो जो कुल ऊर्जा होगी बच्चों वो हो जाती है 1/2 m² × a², और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हो जाती है m² / y². अब ये कहा जा रहा है कि यहां पर जो विस्थापन है वो आयाम का आधा है, मतलब एम्पलीट्यूड का आधा है, तो ये हो जाएगा a² / 4, और आप लोग देख पाओगे कि ये जो ऊपर का हिस्सा है वो e के बराबर है, तो हम लोग लिख पाएंगे e/4। ऑप्शन आ गया अपना b, है कि नहीं। फॉर्मूला याद रहेगा तो आपके क्वेश्चन धड़ाधड़ बनते चले जाएंगे,
ठीक है, बट बहुत बहुत सारे बच्चे होप छोड़ देते, उम्मीद छोड़ देते, यार बहुत कठिन है, हमसे ना हो पाएगा। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करनी रहती है बच्चों। ऑलराइट गाइस, चलिए आगे चला जाए क्या? ठीक, मेरे हिसाब से एनफ समय है और आप लोग पॉज भी कर सकते हो देखने के लिए, तो मुझे उतनी कोई दिक्कत ना होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। चलिए, अ जेट प्लेन फ्लाइज थ्रू विद एयर विद द वेलोसिटी ऑफ 2 Mach व्हाइल द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 332 meters/s, द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज। बहुत अच्छी बात, तो जेट विमान हवा में 2 Mach के साथ चल रहा है, तो उसका स्पीड कितना है, उसका चाल कितना है? तो बच्चों देखो, ये मैक जो होता है ना, तो मैक आपको समझना है कि मैक जो लिया जाता है वो हो जाता है आपका क्या, ध्वनि की मतलब वस्तु की चाल, वस्तु की चाल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ध्वनि की चाल, मतलब कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। तो यहां पे कितना है, 2 Mach से चल रहा है, तो इसको हम लोग 2 लिखना है, और ये जो वस्तु की चाल है मान लो v है, ध्वनि की चाल 332 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि जो फाइटर प्लेन होते हैं ना बच्चे, फाइटर प्लेन होते हैं ना अपने उड़ने वाले, तो उनका क्या होता है कि ये जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, मैक में नापा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जो फाइटर प्लेन होते हैं ना, साउंड की स्पीड से तेज चलते हैं, तो जब साउंड की स्पीड से तेज चलेंगे तभी तो दुश्मन पे अटैक कर पाएंगे बढ़िया से, है कि नहीं, दूरी तय करने में उनको समय ही नहीं लगता, जुप करके गए, निकल गए। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है यहां पर क्वेश्चन नंबर 18। तो हम जब 18 की बात करते हैं बच्चों, तो इसे कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर दैट मस्ट बी प्लेस्ड पैरेलल विद अ 12 ohm रेजिस्टेंस टू ऑब्टेन अ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm। अच्छा, तो देखो बच्चों यहां पर क्या है कि जब हम समांतर में दो चीजों को जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, कहा जाता है कि यहां पर जो 12 ओम है तो मुझे यहां पर कितना जोड़ दिया जाए कि उसका जो परिणामी है वो कितना आ जाए, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाए, 4 ohm आ जाए। ठीक है भाई, तो जब पैरेलल का फॉर्मूला होता है तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1+1/R2 होता है, इसको हम लोग R1 लिख देते हैं। अच्छा, तो इसको आप लोग हल कर सकते हो, और आपको ये भी पता होगा कि जब इसको हम लोग रेडीमेड फॉर्मूला के तौर पे यूज करते हैं तो ये हो जाता है R1 R2/R1+R2, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो सीधा सीधा जोड़ा जाता है लेकिन समांतर क्रम में ऐसे जोड़ा जाता है, तो R कितना आ रहा है, 4, और ये हो गया 12 गुणे, मतलब मान लो R1, और ये हो जाएगा 12+R1। तो हल कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 48+4R1=12R1। तो जब हल करोगे तो R1 = आना चाहिए हमारे हिसाब से 6 ohm। आएगा क्या, 12 में से 4 गया 8, 8 × 6 = 48। टेबल तो याद होगा, पहाड़े याद है ना भाई। चलिए, सो इन इंग्लिश यू कैन से दैट लाइक 12 - 4R = 8 एंड 8 × 6 = 48, सो वी गेट द आंसर एज R1 = 6 ohm। क्लियर, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो सवाल है, एट मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ अ कंपास नीडल विल बी, मतलब कि अगर हम ध्रुवों पर चले जाते हैं तो वहां पर जो हमारा कंपास होगा, जो हमारा कंपास होता है, कंपास बोलते हैं बट एक्चुअली उसको हम लोग बोलते हैं कंपास, ठीक है, चुंबकीय सुई, तो उसकी सुई ध्रुवों पर कैसे रहेगी? तो भाई आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे आता है, तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का रेखा बनता है बच्चे, वो चुंबकीय सुई की दिशा में ही होता है। मतलब यहां पर अगर आप बात करते हो तो आपकी चुंबकीय सुई एकदम सीधा सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ी रहेगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल, है कि नहीं, एकदम ऐसी रहेगी। फिर धीरे 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 यहां पे सुई ऐसे रहेगी, ऐसे 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 सोते 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 यहां पे ऐसी हो जाती है, फिर यहां पे ऐसे होती है, खत्म काम। चलिए आगे, अगला जो सवाल है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 20, और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। वाह भाई वाह, चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, ये यूं। चलिए, यहां पर कहा जा रहा है कि मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ यूनिट मैग्निफिकेशन, इट्स नेचर इज। तो आपको क्या रखना है बच्चों ध्यान, कि इसका जो मैग्निफिकेशन है, प्रवर्धन है, आवर्धन है, वो कितना है, 1, और इमेज क्या बन रहा है, रियल, रियल इमेज बन रहा है, ठीक है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है।
वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वो इमेज उल्टा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? उल्टा बनना चाहिए भाई। तो हमें यह पता करना है कि किसमें ऐसा हो सकता है, तो प्लेन में तो नहीं होता है, प्लेन में तो सीधे सीधे दिखाई देते हैं, और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, वो जो होता है वर्चुअल इमेज बनता है। तो यहां पर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स हो नहीं सकता, पैराबोला हो नहीं सकता, प्लेन हो नहीं सकता, तो अपने पास एक ही बचता है बच्चों, वो हो जाता है अवतल लेंस। क्योंकि अवतल लेंस अगर हम लोग अवतल दर्पण, तो जब अवतल दर्पण लेते हैं तो अवतल दर्पण में क्या होगा कि फोकस यहां पर रहेगा, सेंटर यहां पर रहेगा। तो अगर यहां पर इमेज लेते हैं तो आप लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, तो यहां पर कहां हुआ, उल्टा हो गया, और इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। तो जब उल्टा हो गया तो क्या हो गया, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। ठीक, चलिए और चलते हैं हम लोग अगले सवाल के पास फटाफट। और बच्चों देखो यहां, अ रे इज इंसिडेंट एट 30 डिग्री एंगल ऑन अ प्लेन मिरर, व्हाट विल बी डेविएशन। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर 30 डिग्री पर गिरती है तो इसका परावर्तन कितना होगा, परावर्तन के कारण विचलन। तो यह होता है बच्चों पाई माइनस 2 थीटा। तो पाई का मतलब 180 डिग्री और 30 डिग्री से गिरा है तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। आंसर आ गया हमारा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं डेविएशन, डेविएशन, या फिर इसको आप बोल देना विचलन का कोण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वॉटर, वॉटर इज 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 5/3, द क्रिटिकल एंगल ऑफ रे एंटरिंग वॉटर फ्रॉम ग्लास इज। ठीक है, वॉटर फ्रॉम ग्लास इज, मतलब कि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है तथा कांच का अपवर्तनांक 5/3 है, कांच से चलकर पानी में प्रवेश करने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। तो जब हम क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यहां पर जो हमारा क्रांतिक कोण होता है बच्चों वो हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू 1/μ, मतलब μ1/μ2 या फिर n1/n2 आपको पता होगा। ठीक है, तो आप देखो n1 कितना है 4/3, n2 कितना है 5/3, ये दोनों कट गए तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5। डंडडान, तो आंसर आ गया कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए बच्चों अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इफ अ रिफ्रेक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी 36:1 रेशियो, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। तो देखो बच्चों यहां पर कहा जा रहा है कि आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई वन, मतलब व्यतिकरण में जो तीव्रताओं का अनुपात है वो दिया गया 36:1। और हमें यह भी पता है कि आई क्या होता है, ए स्क्वायर के समानुपाती होता है, मतलब जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो हम यहां पे लिख पाएंगे ए मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 36/1। तो यहां से आ जाएगा हमारा, यहां स्क्वायर रहेगा, ए मैक्स डिवाइडेड बाई ए मिनिमम इज इक्वल टू 6/1। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा कि ये a1 प्लस a2 होता है और यह होता है a1 माइनस a2। ठीक है बच्चे, तो आपको क्या करना है, एक बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा a1 डिवाइडेड बाई a2। तो ये आएगा आपका 6/5, तो ये आ जाएगा आपका 7:5। इतना तो सॉल्व कर सकते हो ना यार, है कि नहीं मित्र, आप यहां पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देना या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों अब हमारा आता है सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो यहां पर जो हमारे 25 सवाल थे उसका सबसे वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ ईएम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज। तो भैया हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 किलो हर्ट्ज है, इतनी है ना। और बोला जा रहा है कि अगर इसकी जो चाल होती है वो तो होती है 3×10⁸ मीटर/सेकंड। तो भाई जब लैम्डा निकालना है तो भी लिखेंगे, मतलब कि 3×10⁸ डिवाइडेड बाय
हम लोग कर लेंगे 10 × 10³, तो ये आपका हो जाएगा 3 × 10⁴, और जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 30 × 10³, मतलब कि 30 किलोमीटर, और इसी के साथ आपका आंसर आता है ऑप्शन डी। तो बच्चों कैसा रहा आज का सेशन आपका, अच्छा लगा? ऑल राइट, तो चलिए मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ अगली बार, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट द मेजर कल्सी क्लासेस, दिस अभिषेक द्विवेदी योर जीएस फैकल्टी। नाउ टुडे वी हैव टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द रिलेटेड टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नेवी एसएसआर। यहां पे मैं 25 प्रश्नों को लेकर के आया हूं आपके लिए, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। बैक टू बैक मेजर कल्सी परिवार आपके इस प्रकार के प्रश्न पत्रों की सीरीज लाता रहेगा, जुड़े रहिए स्टे ट्यून्ड विद द मेजर कल्सी क्लासेस, और ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोग्राम बोथ, अगर जिस तरीके से आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, इजिली जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि आपके पास अब वर्तमान समय में ईएमआई ऑप्शंस भी है एडमिशन लेने में, तो बिल्कुल आपको हेजल फ्री एडमिशन मिलेगा मेजर कल्सी क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, यहां पर पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वी हैड टेकन द बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न पत्र आपके सामने है। यहां पे पहला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों की सामाजिक संरचना थी प्रतिसत्तात्मक मातृसत्तात्मक दोनों का समन्वित रूप कोई नहीं। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन पीपल वॉज द पैट्रियोकल मैट्रियोकल अ कंपोजिट फॉर्म ऑफ द बोथ, नन ऑफ दीज। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि यहां पे, तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो क्या क्या होगा बेटा, बी विल बी द राइट आंसर, मैट्रियोकल मातृसत्तात्मक सत्ता हुआ करती थी सामाजिक संरचना, और जो सातवाहन डायनेस्टी थी उसकी भी जो सामाजिक संरचना थी वो मातृसत्तात्मक थी, उनकी माताओं का नाम उनके पुत्रों में जो शासक हुए उनमें नाम जरूर जुड़ा होता था, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलामी, तो ये नाम आपको मिलेंगे यहां पे। अब आगे अगर मैं फर्दर बात करता हूं, तो यहां पे हड़प्पा सभ्यता की बात चल रही है, तो आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के डिफरेंट नेम्स हुआ करते थे, इसी को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था, इसी को कहा जाता था सिंधु और घग्घर सिविलाइजेशन, इसी को क्या कहा जाता था, सिंधु घग्घर सिविलाइजेशन। दूसरा, इसी को कहा जाता था ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। बेटा ब्रॉन्ज एज का मतलब यह था कि इस टाइम पीरियड में दे आर फुली अवेयर अबाउट द कॉपर एंड टिन, नॉट फुली अवेयर अबाउट द, अगर बात करी जाए तो किससे ये परिचित नहीं थे, किससे परिचित नहीं थे, आयरन से, ये बात याद रखिएगा। और मोस्ट पीसफुल सिविलाइजेशन थी, यहां पे किसी भी युद्ध का प्रमाण नहीं मिलता है, और इसी को कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ सिंधु घग्घर सभ्यता, इसी के साथ साथ इसे कहा जाता था अर्बन सिविलाइजेशन। पहली सभ्यता भारतीय इतिहास की जिसे अर्बन सिविलाइजेशन कहा गया, वो अर्बन सिविलाइजेशन किसने कहा था, वीजी चाइल्ड महोदय ने। आप जानते हैं इसके प्रोमिनेंट जो प्लेसेस थे उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खोज 1900 अगर बात करी जाए तो 1900 आप कह सकते हैं 21 में की गई हड़प्पा की खोज, और इसकी खोज किसने करी बेटा, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने, आरडी बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। यहां की जो लिपि थी इसको पिक्टोग्राफिक कहा जाता था, और जो लिखने की कला थी उसको बोस्ट्रोफीडन कहा जाता था। यहां के लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे, मातृदेवी की पूजा करते थे, और पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, प्रोटोटाइप ऑफ शिवा की पूजा करते थे। तो शायद यहां तक सारी बातें आपकी क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। जो आईवीसी है अगर उसकी बात करेंगे आप, तो आईवीसी यह 13 गुना थी किन दो सभ्यताओं का, इन दो सभ्यताओं की अगर मैं बात करता हूं, इजिप्ट और मेसोपोटामिया, अगर इनको एड ऑन कर दें और इसका 13 गुना कर दें तो इसके बराबर लगभग सिंधु सभ्यता मिलती है। क्लियर हो गई बातें, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं इनका, जो सामाजिक स्ट्रक्चर था। ईस्टर्न क्षेत्र में जो थे वो जो पीपल्स रहते थे वो लोअर सिटीज कहा जाता था उन क्षेत्र को, और वेस्टर्न क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनके क्षेत्र को कहा जाता था सिटेडल, जो कि दुर्ग के क्षेत्र हुआ करता था। क्लियर, चल आगे मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेटा अगले प्रश्न की ओर अगर मूव ऑन करते हैं, तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थी, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। तो बेसिकली इनका जो ट्रेड था यार वो कपास था, और ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में पहली ऐसी सभ्यता थी जिसने शायद कॉटन क्लोथ्स का प्रोडक्शन प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था, और जो पीपल थे इसको कॉटन के भी नाम से जानते थे, और इसे सिंडन कहा जाता था। बेसिकली यह जो क्षेत्र है सिंधु नदी के किनारे था जहां पे कपास का उत्पादन होता था कॉटन का, इसलिए इसे सिंडन कहा जाता था। क्लियर हो गई बातें। दूसरी चीज, एक चीज और आप यहां पर जान लें, हड़प्पा वासियों का जो समाज था ना, वो हड़प्पा वासियों का समाज वर्णा
व्यवस्था पे आधारित नहीं था, इनका जो था वो स्किल बेस्ड था, प्रोफेशन बेस्ड था। तो इनका समाज चार भागों में बटा हुआ था, जिसे आप कह सकते हैं इंडिविजुअली अगर हम बात करते हैं तो चार, वो जो क्लास थी वो क्या क्या थी बेटा, अगर उन चार क्लासेस की बात करेंगे तो वॉरियर्स हुआ करते थे, योद्धा जिसे कह सकते हैं आप, वॉरियर्स हुआ करते थे इनके समाज में, वॉरियर्स हुआ करते थे, स्कॉलर्स हुआ करते थे बेटा, स्कॉलर्स हुआ करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आर्टिसियंस हुआ करते थे, शिल्पकार हुआ करते थे ना, वॉरियर्स, स्कॉलर्स, आर्टिसियंस और ट्रेडर्स, ये चार समूह हुआ करता था जो कि प्रोफेशन बेस्ड हुआ करता था बेटा, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि ब्रॉन्ज से परिचित थे और आयरन से बिल्कुल परिचित नहीं थे, ठीक है बेटा। चल आगे मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? दिलवाड़ा मंदिर की अगर बात करी जाए तो राजस्थान में है, क्लियर हो गई बातें बेटा। डी, आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रश्न इस प्रकार का भी, टेम्पल उम्पल से भी आता है आपके यहाँ। चल अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विवेकानंद ने बंगला भाषा में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? विवेकानंद पब्लिश विच मैगजीन इन द बंगाली लैंग्वेजेस? तो वेयर वी हैव टू आंसर, उद्बोधन, क्लियर टू एवरीवन। और विवेकानंद ने ही ज्ञान योग कर्म योग बिलीव इन योर सेल्फ नामक टेस्ट लिखे, और विवेकानंद ने आप जानते हैं 1893 में शिकागो के वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, हिंदू वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था और भारत का सर गौरव से ऊंचा कर दिया था, क्लियर हो गई बातें बेटा। चल अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया था? प्राथमिक की शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन पर बल दिया था। छठवां क्वेश्चन, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? बेटा अगर बात करी जाए तो यंग इंडिया के संपादक थे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। इन्होंने लार्ज ऑफ मूवमेंट्स इंडिया में चलाए, और आप जानते ही हैं कि इन्होंने पहला अपना जो सत्याग्रह प्रारंभ किया था वो अफ्रीका में प्रारंभ किया था, क्लियर हो गई बातें। और 9 जनवरी 1915 को भारत में आए और एक वर्षों तक भारत में कंटिन्यूअसली विजिट करी, और पहला जो मूवमेंट जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया वो राजकुमार शुक्ला के कहने पर चंपारण मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, क्लियर हो गई बातें बेटा। पहली बार नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में, और जिसके अगर संस्थापक या संचालक की बात करेंगे आप तो कौन थे? दिगंबर विश्वास, क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पे राइट आंसर होगा महात्मा, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, ठीक है। चल आगे की ओर मूव ऑन करते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर, तो ये पॉलिटी से संबंधित प्रश्न होगा, और भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, फ्रांस। आप जानते हैं कि इंडिया किसी भी चीज को ड्यूअल एग्जिस्टेंस नहीं देती है, ठीक है, क्लियर। एक पूरी दुनिया में इकलौता एक ऐसा देश जिसे कह सकते हैं अब प्रॉपर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आपको मिलेगा, तो वो हमारा देश है। यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, तो वो प्रॉपर कहीं ना कहीं इस बात को इंश्योर करते हैं कि ये कहीं ना कहीं गारंटीड राइट्स हैं और हर व्यक्ति विशेष को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे प्रश्न जो पूछा जा रहा है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है बेटा? तो अगर हम बात करते हैं एकल नागरिकता, तो वो हमने कहाँ से ली है? इंग्लैंड से, विल बी द राइट आंसर, क्लियर टू एवरीवन। चल मूव ऑन करते हैं बेटा, विश्व में सर्वाधिक जागृत जोक्रम लिखी कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं कि पैसिफिक बेल्ट को एक्टिव वोल्कानोस का क्षेत्र कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, प्रशांत महासागर के क्षेत्र के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्कानोस यहीं पे पाए जाते हैं, और इसी के अंतर्गत अगर बात करी जाए तो जापान जो है सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ देश है। चल मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां स्थित है? इक्वाडोर में, क्लियर टू एवरीवन। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा आपके सामने बोर्ड पे स्क्रीन पे है, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जो है भारत का वो है भारत रत्न, क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई, और ये मैक्सिमम एक वर्ष में 3 लोगों को दिया जा सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष ये हर आदमी को दिया भी जाए, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअसली इयर्स में दिया जाए, और अगर जब दिया जाएगा तो एक वर्ष में 3 लोगों से अधिक नहीं दिया जा सकता, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। पहली बार जब 1954 में इसकी शुरुआत की गई तो 3 लोगों को दिया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन, और इसके साथ साथ दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्लियर टू एवरीवन। तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बेटा, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? आपको बता दूं मैक्सिमम फील्ड में नोबेल
नोबेल पुरस्कार कौन देता है? स्वीडन, और स्वीडन की कैपिटल में यह दिया जाता है, और शांति के क्षेत्र में जो नोबेल अवार्ड दिया जाता है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। क्लियर टू एवरीवन? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? 1951 में, जिसके चेयरपर्सन कौन थे? केसी नियोगी साहब। कौन बेटा? केसी नियोगी साहब। क्लियर टू एवरीवन? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो ईसीओ, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ ईसीओ? ईसीओ मार्क किससे संबंधित है? आप जानते हैं, इकोनॉमिकली फ्रेंडली, इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण से संबंधित, यानी कि पर्यावरण से संबंधित है। क्लियर टू एवरीवन? चलिए 14 क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो जो 14वां प्रश्न है बेटा, अगर 14वें प्रश्न की बात करें तो एफिल टावर कहां है? फ्रांस के पेरिस में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 15वां, काला धन क्या है? ब्लैक, व्हाट इज द ब्लैक मनी? तो आप जानते हैं, जिसे कहा जाता है बेहिसाब धन, मनी अर्न्ड विदाउट द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आप जानते हैं असम में है। कहाँ है बेटा? असम। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सस पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड बाय, अगर ये बात करी जाए तो किसके द्वारा ये इंप्लीमेंटेड की गई? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और सतारा ऐसा पहला क्षेत्र था जिसको इस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत ऑक्यूपाइड किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इनका प्रयास ये था कि जिन लोगों के पास सक्सेसर्स नहीं है, वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं है, उनके राज्यों को किसी न किसी तरीके से इनके इन प्रकार सबमर्ज कर लिया जाए। किसके अंतर्गत बेटा? अंतर्गत, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक बातें सारी शायद क्लियर हो गई होंगी। लैप्सस डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर अगर 18 की बात करूं, हु हैड एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ मद्रास? आप जानते हैं कि तीन प्रोमिनेंट सिटीज की एस्टैब्लिशमेंट की गई, कलकत्ता जाप चारनाक के द्वारा स्थापित की गई, मद्रास की बात की जाए फ्रांसिस डे, और बॉम्बे की स्थापना की गई गेराल्ड ओंगियार के द्वारा। तो हु हैड एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ मद्रास? तो आप कह सकते हैं फ्रांसिस डे। कौन सी? फ्रांसिस डे। क्लियर टू एवरीवन? फ्रांसिस डे। तो यहां पे इसका जो फ्रांसिस डे के द्वारा, क्लियर टू एवरीवन? जॉब चारनॉक के द्वारा कलकत्ता की स्थापना की गई थी, और गेराल्ड ओंगियार के द्वारा बॉम्बे की स्थापना की गई थी। क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण रिटन इन द पिटेन कंडीशन ऑफ द इंडिगो रिफॉर्म्स? अगर बात करी जाए तो दीनबंधु मित्रा। और आप जानते हैं सन्यासी विद्रोह का विवरण किस किताब में मिलता है? तो आनंद मठ, लिखी गई किसके द्वारा? बंकिम चंद चटर्जी के द्वारा। क्लियर टू एवरीवन? तो यहां पे आप कह सकते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक नील दर्पण रिटन द पिटेन कंडीशन ऑफ द इंडिगो रिफॉर्म्स? दीनबंधु मित्रा, ठीक है, और नील दर्पण इन्होंने लिखा था। आगे की ओर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हु वाज द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती? और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप जानते हैं, 1875 में इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? आर्य समाज ने। इनकी बचपन का क्या नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल शंकर था। क्लियर हो गई बातें? इनके गुरु का नाम था विरजानंद सरस्वती। क्लियर हो गई बातें बेटा? और सत्यार्थ प्रकाश पहली ऐसी किताब है भारतीय इतिहास की जिसमें स्वराज शब्द का उल्लेख मिलता है। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन वी गॉट हियर फ्रॉम द स्वराज वर्ड फ्रॉम द सत्यार्थ प्रकाश। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चल आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर मूव ऑन करते हैं। हु इज द कॉल्ड द पायनियर ऑफ कल्चरल रेसिडेंस इन द वेस्टर्न इंडिया? महादेव गोविंद रानाडे। क्लियर टू एवरीवन? चल आगे की बात करता हूं। ड्यूरिंग द विच ईयर द स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक्स? 1956। यहां पे दो ऑप्शंस दिए हैं, 1956 विल बी द राइट आंसर। चल 23 की बात करते हैं बेटा। 23 की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कॉल्ड गॉड गॉड ऑफ द ब्यूटी? आप जानते हैं वीनस, रोमन देवता की अगर बात करें, रोमन गॉडेस के नाम पर इनका नाम रखा गया। वीनस का मतलब बहुत खूबसूरत, ठीक है। चल आगे की ओर मूव ऑन करते हैं, 24 की ओर बात करते हैं। 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, नियाग्रा वाटरफॉल स्टेट यूएसए एंड द कनाडा। क्लियर? चल आगे की ओर मूव ऑन करते हैं, 25th ऑफ क्वेश्चन की ओर। अगर 25वें प्रश्न की ओर, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ, जिसको इन शॉर्ट में कहा जाता है। क्लियर टू एवरीवन? तो यहां तक आप देख पा रहे हैं कि बेटा इस तरीके से मेजर कलसी परिवार आपकी सफलता की अग्रिम श्रेणियों को सुनिश्चित करने के लिए बैक टू बैक आपके लिए मॉडल पेपर्स लेकर के आ रहा है। इसी तरीके से अपना प्यार और सौहार्द बनाए रखें मेजर कलसी परिवार के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज
प्वाइंट मेंशन किया गया है जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे, तो देर किस बात की। तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorculseyclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330031।